ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्मृति नामिनि। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तुत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करते हुए वृंदावन से आए समस्त ब्रह्मचारीगण एवं मठ के समस्त ब्रह्मचारीगण और समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंड ज्ञापन हो। श्रीमद् भागवत कथा अमृत का आज चौथा दिवस, बड़े विघ्न चल रहे हैं तो भी सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवत कथा का हम आयोजन कर पा रहे हैं और श्रवण कर पा रहे हैं। ये सब गुरुदेव की महिमा है, उनकी कृपा है, श्री गुरुदेव की। परंतु फिर भी हम लोगों को थोड़ा प्रिकॉशंस लेना चाहिए। आप लोगों से सबसे निवेदन है, मास्क लगा करके बैठा, यहां पर मास्क नहीं लगाएंगे, पता नहीं चलेगा भीड़ में कोई बीमार है और आपको कोई कीटाणु देके चला जाएगा, वो मुश्किल हो जाएगी आप सबके लिए। इसीलिए मास्क जरूर लगाएं, मास्क नहीं होने पर हम इधर से भी दे सकते हैं। मुकेश प्रभु मास्क रखे ना, वितरण करो जिनके पास नहीं, मास्क लगा के बैठे। हम लोग जरा सी लापरवाही से एक दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं, भले ही वो कोविड ना हो तो भी छोटा मोटा बुखार या जुखाम हो चिंता का विषय बनता है। क्योंकि अभी 12 तारीख में थोड़ा समय है, 12 तारीख में हमें धूमधाम से मनाना है। उसके लिए आप सब स्वस्थ रहेंगे तो बड़े आनंद पूर्वक और उत्साह पूर्वक यह पर्व मनेगा, अन्यथा हम सब ही यदि बीमार हो जाएंगे, एक दूसरे को बीमारी देंगे, तो हमारे बीच आए समस्त संतगण और श्री गुरुदेव उनको भी संक्रमित होने का भय है। इसीलिए कितने भी हम लापरवाह क्यों ना हो, पर संतों और गुरुदेव के लिए तो हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। आप सबसे निवेदन है, आज तो खैर भीड़ कम है, कल से जरूर सब मास्क लगा करके आए। मास्क नहीं होने पर हम इधर भी देंगे आपको, लेकिन इसमें अभी थोड़ी सी गंभीरता हमें दिखानी चाहिए, विशेषकर गुरुदेव के चरणों में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हम लोग 10 और 11 को ये जो दो महापुरुष हैं, नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज और श्री गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की सुंदर 101 वार्षिक उत्सव को मनाएंगे, जिसमें हमने अन्य अन्य मठों से वैष्णवों को महाराज लोगों को निमंत्रण दिया है और वो यहाँ पर आएंगे, हमारे इस पर्व में सहयोग देंगे, उनकी गुण महिमा को गाएंगे और हम सबको भक्ति करने के लिए एक लालसा को जगाएंगे। कल हम श्रवण कर रहे थे कि भगवान निराकार और साकार दोनों स्वरूपों में विद्यमान है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, अर्थात भगवान ब्रह्म स्वरूप है, भगवान परमात्मा स्वरूप है और भगवान भगवान स्वरूप भी है। परंतु समस्त विश्व जो निराकार ब्रह्म को मानता है वह भगवान के स्वरूप को नहीं मानता। कारण उसका
कल हम श्रवण कर रहे थे कि वेद व्यास जी ने इतने सारे पुराण, इतने सारे उपनिषद, इतने सारे इतिहास क्यों लिखे, उसका कारण क्या है, और फिर खुद ही खिन्न अवस्था में बैठे चिंता कर रहे, उसका कारण ये नहीं कि उन्होंने गलत किया, कारण हम सब जीवात्माओं का स्तर, अधिकार क्षेत्र जो है उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए श्री वेद व्यास जी ने वो पुराण लिखे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति कोई जरूरी नहीं कि सतोगुणी हो, हर व्यक्ति कोई जरूरी नहीं कि रजोगुणी हो, और हर कोई व्यक्ति तमोगुणी हो ये जरूरी नहीं। कोई तमोगुणी में स्थित है, कोई रजोगुणी में स्थित है, और कोई सतोगुण में स्थित है। इसीलिए श्री वेद व्यास ने जीवों का स्तर देखते हुए ये पुराण लिखे कि कोई तमोगुणी व्यक्ति है तो उसको काली की उपासना, या तमोगुणी जो इष्ट हैं उनकी आराधना करनी चाहिए क्योंकि उसका स्तर अभी वही है, और जो रजोगुणी व्यक्ति है उसको अभी कर्मकांड में ही रहना चाहिए क्योंकि अभी उसका स्तर शुद्ध भक्ति का नहीं है, और जो सतोगुणी व्यक्ति है उसको भी जो है अभी सतोगुणी जितने भी ग्रंथ हैं जिसमें विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, पद पुराण इत्यादि हैं उनको पढ़ करके अपना स्तर को बढ़ाना चाहिए। उससे क्या होगा, वो निर्गुण अवस्था में जाएगा क्योंकि भगवान निर्गुण है। निर्गुण कैसे कहा, भगवान इस संसार के गुणों को लेकर के कोई भी क्रिया नहीं करते, इन गुणों से आच्छादित नहीं होते, इन गुणों से आकर्षित नहीं होते, ये इस मायावी संसार के गुण हैं और भगवान इस संसार के परे हैं। तो भी दयावश करुणावश इस जगत में आते हैं, तो भी इस संसार का कोई भी गुण उनको स्पर्श भी नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए भगवान के जो गुण है वो अत्यंत अत्यंत दिव्य है, इस संसार के गुण नहीं, उस परम धाम के गुण है सारे के सारे, जिसमें सबसे जो परम गुण है वो है दया करुणा और प्रेम। उस शुद्ध प्रेम को ही यहां पर वितरण करने के लिए अपने निजगणों को भेजते, और स्वयं जब देखते हैं कि यहां पर युग धर्म बिगड़ रहा है या खंडन हो रहा है तो तुरंत यहां पर चले आते और पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। इतने करुणा वरुणालय हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र। भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं, अन्य जितने भी हैं वो सब अवतार हैं। अवतार का मतलब क्या होता है, अवतार का मतलब होता है उत्कृष्ट स्थान से निम्न स्थान पर उतरना, उसको अवतार कहा गया। भगवान का कोई जन्म नहीं, भगवान का कोई मरण नहीं, तो भी करुणा वरुणालय होने के कारण वो उस गोलोक से यहां पर नीचे उतरते हैं, इसीलिए उसको अवतार कहा गया। और समस्त भगवान के जो अवतार हैं वो अवतारी श्री कृष्ण चंद्र से ही प्रकट है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इतनी सुंदर महिमा है भक्ति की, कौन सी भक्ति, शुद्ध भक्ति की, प्रेमा भक्ति की। कल हमने श्रवण किया भक्ति का यदि अंश कर्मकांड में ना हो, ज्ञान कांड में ना हो, योग में ना हो तो उनके लक्षण उनको नहीं मिलेंगे। केवल और केवल भक्ति अशुद्ध अवस्था में ही सही वहां होती है, इस वजह से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते। मुक्ति भी प्रेमा भक्ति के चरणों में आश्रित होकर के वह चाहती है कि किसी प्रकार से मुझ पर छींटा भक्ति की हो
और मेरा भी जीवन का कल्याण हो। श्री गुरुदेव की जय। पीछे जो भाई लोग बैठे ना, अब पीछे नहीं, अब आगे आ गए। तो ये प्रेमा भक्ति या शुद्ध भक्ति मिलेगी कैसे? ये एकमात्र शुद्ध भक्त की चरण रज से ही मिलेगी। एकादशी कीर्तन है ना, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। क्या मतलब? शुद्ध भक्त के चरण रज से जब तक हम अपने आप को अभिषिक्त अर्थात स्नान नहीं करेंगे, तब तक इस शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना असंभव है। हम लोग सोचे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, किसी गुरु परंपरा की आवश्यकता नहीं, स्वयं मैं श्रीमद् भागवत का पाठ कर लूंगा, गीता पढ़ लूंगा, अन्य अन्य समस्त पुराणों को पढ़ लूंगा, बड़ा विद्वान हो जाऊंगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, उनके प्रेम की प्राप्ति होगी। कदापि संभव नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से संसार के अंदर समस्त वस्तु गतिमान है, एक यंत्र उनमें कार्य करता है, एक तंत्र उसमें कार्य करता है, ठीक इसी प्रकार से भगवान जो समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, उनको चलाने में उनकी शक्तियां जो हैं विद्यमान रहती हैं, तो क्या उनकी अत्यंत दुर्लभ प्रेम भक्ति, प्रेमा भक्ति क्या सहज मिल जाएगी? उसके लिए भी एक प्रकार से सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है, वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया ये है कि डायरेक्ट वह प्रेम किसी को नहीं मिलेगा, वो उनके निजगणों के माध्यम से ही हम तक पहुंचता है। तो हम उसको कैसे प्राप्त करें? शुद्ध भक्त तो मिल गए, परंतु हमारे अंदर श्रद्धा कैसी है, इस पर भी हमें ध्यान दे करके हमारे अंदर के छल कपट इत्यादि का जितने प्रकार के दोष हैं, उनको वहां से हटाने का प्रयास जब तक नहीं करेंगे। शुद्ध भक्त पूरी कृपा कर रहे हैं तो भी हमारे अंदर यदि छल हैं, तो हम जो गुरुदेव भगवान की प्रेमा भक्ति देने के लिए आए हैं, उसको हम स्पर्श भी नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं अहंकारवश। यहां पर भगवान श्री कृष्णचंद्र बता रहे हैं कि भक्त को किस प्रकार का होना चाहिए, और सर्वश्रेष्ठ भक्त जो हैं वो गिरिराज महाराज को बतलाया। गिरिराज महाराज को बताया सर्वश्रेष्ठ भक्त वर्य, अर्थात जितने भी भक्त हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ जो हैं गिरिराज महाराज हैं। और वो कैसे गिरिराज महाराज हैं, वो किस प्रकार से ठाकुर जी की सहायता करते हैं, सेवा करते हैं। ठाकुर जी जब जाते हैं अपने ग्वाल सखाओं के साथ और बछड़ों के साथ, गैयाओं के साथ, तो गिरिराज महाराज सिर्फ कृष्ण भगवान की ही सेवा नहीं करते, उनके सखाओं की भी सेवा करते हैं, उनके बछड़ों गैयाओं की भी सेवा करते हैं। कैसे करते हैं? सुंदर सुंदर कोमल कोमल घास प्रकाशित कर देते हैं बछड़ों और गैया के लिए, और सुंदर सुंदर फलों के पेड़ प्रस्तुत कर देते हैं उनके सखाओं के लिए और कृष्ण भगवान के लिए। और जब भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी पर अपना चरण कमल रखते हैं, इतना आनंद से वो उछल पड़ते हैं, इतना वो विभोर हो जाते हैं आनंद से कि वो पिघल जाते हैं। गिरिराज महाराज की हम परिक्रमा करते हैं। गौड़ीय सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि उस पर जितने भी गौड़ीय वैष्णव है गिरिराज जी के ऊपर ना चढ़े। कारण वो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है और सबसे श्रेष्ठ भक्त भी हैं। तो
भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमल आज भी वहां पर विद्यमान है गिरिराज में, क्योंकि वो जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र वहां पर त्रिभंग ललित होकर के सुंदर तरीके से शीश पर मोर मुकुट और सुंदर तरीके से जो पीतांबर धारण किए जब वंशीवादन करते हैं, तो उनके चरणों का वहां पर छाप इसलिए हो जाती है उस वंशी को सुन करके और ठाकुर जी के दर्शन पा करके गिरिराज जी पिघल जाते हैं और उनके सुंदर कमल वहां पर छप जाते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। जब सखाओं को प्यास लगती है तो गिरिराज महाराज जो हम देखते हैं इन आंखों से पूर्ण दर्शन नहीं हो पाता। गिरिराज महाराज बहुत ऊंचे हैं और उनमें अनेकों अनेक झरने भी हैं। जब इनको प्यास लगती है कृष्ण और उनके सखाओं को या गैयाओं को, तो वो झरनों में जाकर के अपनी प्यास को बुझाते हैं। इतना सुंदर सेवा मात्र कृष्ण की नहीं, उनके सखाओं की, गैयाओं की, बछड़ों की, सबकी वो सेवा करते हैं, तो भी किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सबको ऐसा ही प्रेम प्रदान करेंगे यदि सब अहंकार विहीन हो जाए। वो कहते हैं गिरिराज महाराज सबसे ज्यादा हमारी सेवा करते हैं, तो भी किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, किसी को दिखाते नहीं है। इसके लिए एक बार सुबह सुबह जब उठे, अभी पोगण लीला में आ गए, एक बाल लीला होती है 1 वर्ष से 5 वर्ष की जो है बाल लीला, 6 वर्ष से 10 वर्ष की उम्र की पोगण लीला, 11 वर्ष से 14 वर्ष की किशोर लीला कहलाती है, उसके उपरांत युवा। तो भगवान अभी पोगण लीला कर रहे हैं, मात्र अभी 7 वर्ष के हैं, और सुबह सुबह देखा जैसे मैया जब कृष्ण को उठाती है, मैया यशोदा जब कृष्ण को उठाती है तो कैसे उठाती है, हाथ में सुंदर कोमल नवनीत लेकर के जो अभी अभी निकाल के लाई हैं, उसमें मिश्री डाल करके लाती हैं एक कटोरी में, और कृष्ण को कहती है गोपाल कृष्ण कान्हा उठो, लेकिन कृष्ण आंख नहीं खोलते हैं, बस सुनते रहते हैं मधुर मधुर वाणी मैया की। मैया बोलती है अच्छा अभी रुको, उठो मत, और थोड़ा सा माखन निकाल के उनके होठों में रखती है, होठों में से जो माखन है वो पिघल कर जब अंदर जाता है तब मीठा मीठा माखन जिस तरीके से मुख से होता हुआ गले से नीचे हृदय को स्पर्श करता हुआ नीचे आता है उदर में, इसी स्तर से इसी गति से उनकी जो नयन कमल है वो धीरे धीरे खुलते हैं कमल के समान। जिस प्रकार से कमल सूर्य देव की रश्मियों से खिलता है धीरे धीरे, ठीक इसी प्रकार से मैया यशोदा जब माखन खिलाती हैं, माखन जिस तरीके से मुख से उदर तक जाता है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे उनकी आंखें खुलती हैं, और वो विस्तीर्ण आंख, इतनी कोमल आंख, इतनी सौंदर्यमान आंख देख करके माँ हर्षित होती है, कान्हा को उठाती है। ये रोज नित्य जो है उठाने का क्रम है। उस दिन मैया नहीं आई, माखन नहीं आया, कृष्ण सोचने लगे आज तो समय ज्यादा हो गया, मैया क्यों नहीं है। उठकर देखा कि सुंदर सुगंध आ रही है पकवानों की, बड़े सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। देखा मैया बड़ी विघ्न बड़ी मग्न होकर के पकवानों को बना रही है, कहा मैया मैया ये क्या हो रहा है। अब पता है अब ये बच्चे नहीं रहे, अब ये पोगण अवस्था में आ गए, 7 वर्ष की अवस्था में है, अगर इसके प्रश्न का एक का उत्तर दूंगी तो ये 10 प्रश्न और खड़े करेगा और मुझे परेशान करेगा, रसोई तैयार नहीं होगी, अभी बहुत सारी रसोई तैयार करनी है। उन्होंने कहा अच्छा लाला तू एक काम कर, वहां देख तेरे बाबा हैं, उधर चले जा घेर में और उनसे जाके पूछ। वहां जाके कृष्ण पहुंचे और उन्होंने पूछा बाबा बाबा आज क्या बात है, क्या मेरा जन्मदिन है। नहीं नहीं, अच्छा तो बलदेव भैया दाऊ भैया का जन्मदिन होगा। नहीं नहीं, तो इतने सारे पकवान क्यों बन रहे हैं, आज क्या उत्सव है। कहा आज इंद्र की पूजा है। इंद्र की क्यों, क्योंकि
ये जल बरसाते हैं, वर्षा करते हैं, और वर्षा होने पर गिरिराज महाराज के पास और इधर ब्रज के अंदर सुंदर सुंदर घास और हमारी फसलें ये सब होती हैं, जिससे हम सब का जीवन चलता है। इसीलिए हमारे ये कुल देवता, हमारे ये देवता हैं, इनकी हम पूजा करते हैं वर्ष में एक बार, और उनको ये सारा का सारा भोग लगता है। भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर के कहने लगे, अरे कृष्ण, कहने लगे बाबा क्या करते हो। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बातें बतलाई। पूर्व मीमांसा में वो सारी बातें हैं जो आजकल साइंस की बातें करते हैं लोग, हमारे शास्त्रों में सब कुछ विद्यमान है। पूर्व मीमांसा में उन्होंने वो जो बातें हैं कि किस प्रकार से बादल आते हैं और ऊंचे ऊंचे जो शिखर हैं उनसे टकराते हैं और वर्षा होती है, तो उन्होंने भी यही बताया कि बाबा गिरिराज महाराज बहुत ऊंचे हैं, बादल जल भर करके लाते हैं और इधर इनके शिखर से टकराते हैं और वर्षा हो जाती है, इसमें इंद्र क्या करता है। अरे इंद्र बादलों को भेजता है। अच्छा, जहां समुद्र है या पर्वत है, जहां पर बड़े बड़े हिमालय पर्वत इत्यादि, वहां तो कोई पूजा नहीं होती, वहां पर क्यों बरसाता है फिर वो वर्षा। बाबा आप इतने बड़े होकर के क्यों भ्रम में हो और सबको क्यों भ्रम में डालते हो, ये तो कर्तव्य है उसका। ये बादलों का, और बादलों का क्या, समस्त देवी देवताओं को, वो इंद्र है, राजा है, उसको ये सब नियंत्रण में रखना होता है, वो उसका कर्तव्य है। इसमें उसका कोई अधिकार नहीं कि वर्षा वो करेगा या नहीं करेगा, ये तो उस हिसाब से। और रही बात दूसरी, यदि आपको पूजा ही करनी है तो गिरिराज महाराज की वजह से होती है यहां पर वर्षा, क्योंकि बादल आके टकराते हैं और वर्षा होती है, तब ये घास या फसल हो पाती है। तो इसीलिए यदि आपको पूजा ही करनी है तो गिरिराज महाराज की करो। बोलो गिरिराज महाराज की जय। अब उन्होंने कहा ठीक है, बात तो सही लगती है, लेकिन मैं सभा बुलाता हूं। अभी नंद बाबा ने एकदम से उस पर डिसीजन नहीं लिया, सबको बुलाया, तो वहां पर उनके बड़े भैया नंद बाबा के उपानंद जी से कहा कि ऐसे ऐसे लाला कहता है कि इस बार गिरिराज महाराज की हम पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा हम नहीं करेंगे। बोला क्यों, तो उन्होंने सारी बात बतलाई। अब भगवान जहां पर व्याख्या करेंगे, भगवान के शब्दों में वो आकर्षण है कि सब मोहित होकर के कहने लगे, लाला ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, हम अब गिरिराज महाराज की ही पूजा वंदना करेंगे। और वहां जाकर के सब लेकर के चले हैं, और वहां जाकर के जब ठाकुर जी की पूजा इत्यादि हुई है, अब उन्होंने कहा कि देखो तुमने इंद्र की कितने जन्मों, कितने वर्षों से पूजा कर रहे हो। बोले बहुत वर्षों से, हमारे बाबा दादा सब करते आए हैं, कभी इंद्र ने तुम्हारा भोग पाया है। बोले नहीं, देखो आज गिरिराज महाराज पाएंगे, आंखें बंद करो। और उन्होंने आह्वान किया, साक्षात गिरिराज को उन्होंने, कृष्ण ही वहां पर अभिन्न रूप से वहां प्रकट हो गए, और एकदम से बोला आंखें खोलो, देखो सब कुछ पाएंगे, इनको निवेदन करो समस्त नैवेद्य। तो किसी ने पकौड़े बनाए, किसी ने कड़ी इत्यादि बनाई, और किसी ने चावल, मीठे चावल, हलवा, पूरी इत्यादि जितना जितना लाए। अब तो गिरिराज महाराज पता नहीं कितने समय से, आज भी सबके लिए बना है, सबको प्रसाद मिलेगा। कितने समय से भूखे थे गिरिराज महाराज, और दोनों बड़े बड़े हाथ निकाल करके सारी सारी बाल्टियां उठा करके आने दो, वहां पर एक गांव का नाम भी पड़ गया इसी वजह से, आने दो, सारा खा गए। तो सखा बोले, अरे कृष्ण तेरा भगवान तो बड़ा ही भूखा है भाई, इससे अच्छा तो इंद्री था, वो कम से कम सारा प्रसाद छोड़ तो देता था, ये तो सारी चट करके हम क्या खाएंगे। चिंता मत करो, अभी आंखें बंद करो, जितना तुम लाए थे उससे दुगना चौगना ही देंगे, ये गिरिराज महाराज है। बोलो गिरिराज महाराज की। सबने आंखें बंद करी, वो तो भगवान है, एकदम कहा गिरिराज महाराज प्रसाद दो सबको। जो दो दो बाल्टी लाता चार चार बाल्टी रसगुल्ले हो गए, जो चावल का एक एक परात लाता उसके चार चार परात हो गई, मतलब दो दो चौगना का वहां पर प्रसाद ही प्रसाद हो गया। सब तो गिरिराज महाराज की जय जयकार करने लगे, पूजा करने लगे और सुंदर तरीके से परिक्रमा करी। बात हम क्या कर रहे थे, बात हम ये कर रहे थे गिरिराज महाराज कितनी सेवा करते हैं ठाकुर जी की। जब इंद्र को पता चला कि इस प्रकार से हुआ, मेरी पूजा नहीं हुई, गिरिराज की हुई है, तो उन्होंने मूसलाधार वर्षा के लिए
वहां पर पड़ने के बादल भेज दिए और हाथी की सूंड के बराबर वहां पर जो है बूंदे पड़ने लगी। अब तो सब भग करके आए कृष्ण के पास। कृष्ण कृष्ण देखा इंद्र की पूजा नहीं हुई, वो जो भड़क उठे हैं, चिंता नहीं करो सब गिरिराज के पास चलो। वहां पर गिरिराज महाराज के पास पहुंचे हैं और वहां जैसे खेल खेल में बच्चा कुकुर मुक्के होते हैं, छाते होते हैं ना, जो सांप के छाते बोलते हैं, इस तरीके से बच्चे उठा लेते हैं, ऐसी ठाकुर जी ने बाएं हाथ से गिरिराज जी को उठाया और अपनी कन की उंगली के जो नाखून है उस पर धारण कर लिया। बोलो गिरिराज महाराज की जय, गिरिधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ गिरिराज महाराज अपनी सेवा का कभी बखान नहीं करते, कभी किसी प्रकार का अहंकार नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ऐसे जो भक्त में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे भक्त वर्य को अपने हाथ में अपनी गोद में धारण कर लेते हैं। इसीलिए हमें कोई भी सेवा करनी हो तो उसमें कभी भी अभिमान ना करें। एक हाथ यदि कुछ सेवा करता दूसरे को पता ना चले, कहते हैं ना इसी प्रकार सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद। वांछा कल्पतर सुपास सिंधु व्यवचे पतितना पावन विदेश में गिरिराज बाबा की। जो जमीन में चढ़ गए वो तो हो गए भव से पार। गड़बड़ नहीं, अग्नि आप हो गया। लाइट जा रही आ रही है ना, तो ठीक करना। Thank you.
जय जय
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। जय जय श्री। हाँ देखो जगन्नाथ जी की जो पोशाक है, मुझे लगता है पिछली बार किसी ने भक्त लोग ने एक एक कर बनाए थे। अगर कोई चाहते तो आप लोग भी इस साल भी एक नया सेट होनी चाहिए, जैसे हम भी हर साल नए नए कपड़ा पहनते हैं। इसलिए ठाकुर रथ यात्रा इतना जल्दी देख लो। अगर सब लोग अगर मिल करके बात कर सकते हो, देखो इसमें भगवान कहते हैं जैसे ठाकुर जी के लिए कोई कपड़ा पहनाते हो, कहते उसमें जितने धागा होती है, जितने धागा उसमें होती है उतना कल्प तक उसको भगवत धाम में गोलोक वृंदावन में ठाकुर जी बांध देते हैं। इसलिए जब ठाकुर जी परीक्षा कर रहे थे, ठाकुर जी की जब अंगुल कट गई, ठाकुर का अंगुल कट गई तो द्रौपदी ने वहीं पर उन्होंने साड़ी को फाड़ करके बैंडेज कर दी। ठाकुर जी इतने रीझ गए बोले कब मेरे को मौका मिले, कब मैं इसकी ऋणी चुकाऊंगा। इसलिए द्रौपदी का कितने पति थे, पांच पति थे। जब वस्त्र हरण हो रही थी कोई भी काम में नहीं आए, कोई काम में आए तो कौन आए, केवल कि ठाकुर जी काम में आए हैं। इसलिए देखो ठाकुर जी को अंगुल कट जाने पर अगर द्रौपदी ने थोड़ी सी बैंडेज कर दी तो ठाकुर जी इतने साड़ी दिए, बोले 10,000 हाथी गज बल्लभ घटो घटो ना 10 गज साड़ी। इसलिए 10,000 हाथी की ताकत खत्म हो गई लेकिन 10 गज साड़ी नहीं खत्म हुई। दुनिया देख रहे थे साड़ी बीची कोई नारी, नारी स्वयं साड़ी बन गई है। इसलिए ठाकुर जी की कपड़ा देने में इतना लाभ है, अगर कोई कर सकते हो कर सकते हो। लगता है पिछली बार तीनों भक्तों ने अलग अलग ठाकुर जी की उन्होंने पोशाक बनाया था। कौन कौन बनाया था, हाथ उठाओ। हाँ कौन दीदी, अनिता दीदी और रेखा दीदी और कौन। हाँ इसलिए इस बार अगर कोई बना सकते हो आप लोग ठाकुर जी के बनाना, पर ठाकुर को पहनना, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। ये दरवाजा ना खोल दो, बहुत गर्मी हो जाता है। ओम ज्ञान तिमिरां धस्य ज्ञानांजन शलाकया। उसको ऊपर दरवाजा खोल दो। चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलंबित भुजौ कनिकाबधातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एक बार सब हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
और एक बार जोर करके बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रभिष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रभिष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री लो नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को जत्था योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कले हम लोग श्रीमद भागवत कथा श्रवण कर रहे थे, कैसे श्री व्यास देव ने भक्ति योग समाधि को द्वारा समाधिस्थ हुए थे, उन्होंने ठाकुर जी की समस्त लीलाओं को दर्शन किया। बोले ग्रंथ तो बहुत बढ़िया बने आए, लेकिन इसको सुनाए तो सुनाए किसको। लेकिन इसे सुखदेव गोस्वामी को तो जन्म से ही ये ब्रह्मज्ञानी बन करके चले गए, पहले उनको वापस कैसे लाए। कहते व्यास देव के चार ही चले थे, बोले भैया मेरा तोता कहीं उड़ते हुए चला गया, पकड़ कर ला सकते हो। बोले गुरुजी जंगल में बहुत सारी तोते हैं, हमें क्या पता तुम्हारी तोता कौन सा। बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैं चार चेलों को चार श्लोक सुनाता हूँ, ये श्लोक सुन करके जो अपने आप पकड़ में आई वही मेरा चेला है। बस उन्होंने कृष्ण कितने सुंदर है, कहते ना बांके बिहारी के देख छटा मेरो मन है गयो लता पटा। कृष्ण इतने सुंदर है, कभी कभी गोपियां तो ताना मारती, बोले कन्हैया तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करोड़ों की। अच्छा हुआ तेरे को परमात्मा ने लाली नहीं बना करके लाला बन दिया, दुनिया बच गया, नहीं तो सब कुछ मर जाती तेरे के लिए। कृष्ण इतने सुंदर है कन्हैया हमारी, इसलिए बोले भूषणांग भूषणांग में। जैसे हम लोग शरीर को सजाते हैं, बोले क्यों, बोले शरीर की सुंदरता बढ़े। बोले ठाकुर क्या श्रृंगार करते हैं ठाकुर का सुंदरता बढ़े, बोले नहीं ठाकुर की सुंदरता नहीं, वो वस्त्र की आभूषण की सुंदरता बन जाती है। इसलिए जब उनने कृष्ण की एक श्लोक सुंदरता को विषय में सुने, श्री सुखदेव गोस्वामी सब कुछ छोड़ करके निकल करके आ गए। बोले भैया जो देखने में इतने सुंदर है, बोले उनको गुणा कैसे है। बोले अहो बकियम स्तन काल कूटम जिज्ञासया अपि असाध्य। बोले कृष्णा इतने सुंदर गुण है, भक्ति करना चाहे तो कृष्ण को ही भक्ति करो, इधर उधर देवा देवी को भक्ति नहीं करने के लिए मना किया। बोले क्यों, बोले अगर थोड़ी सी दूसरे देवा देवी को थोड़ी सी भक्ति करो, अगर तुम्हारी थोड़ी सी कोई गड़बड़ी हो गई, पूजा होती है कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, फिर तो खैर नहीं देना के लेना पड़ जाएगा, उसका पूरा के पूरा उल्टा रिएक्शन होगी। लेकिन अगर कृष्ण भक्ति कर रहे हो, अगर तुम्हारी कोई गड़बड़ी होगा ना, ठाकुर उस चीज को देखेंगे नहीं, क्योंकि जो कृष्ण है ना वो तमेव माता च पिता तमेव। बच्चा अगर माँ की गोद में टाटी पेशाब कर दे, क्या मैया बच्चे को फेंक देती है, नहीं उसको साफ कर देती है, उसको साफ करती है। इसलिए हमारी जो असली जो पिता है ना भगवान कृष्ण है राम है, अगर उनकी भक्ति करते हुए को थोड़ी गड़बड़ी हो जाएगी ना, ठाकुर देखेंगे ना। बोले गुण अवगुण प्रभु देखो ना था, ठाकुर जी किसकी अवगुण के प्रति नजर नहीं देते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब उन्होंने सुने कृष्ण कितने दयालु है, पुतना जैसे राक्षस थी जो स्तन में कालकूट जहर लेकर गई थी, बच्चों को खून पीने वाली, और करती थी क्या काम, क्या था बच्चों को खून पीना, राक्षसी रुधिरासना। लेकिन ऐसे जो पुतना थी कृष्ण को, केवल उन्होंने थोड़ी सी नाटक की थी। बोले मैया जसोदा इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में सुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए, केवल इतना की नाटक केवल की, ठाकुर जी उसको गोलोक वृंदावन भेज दी। इतने बड़े कृष्ण दयालु, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए उन्होंने आए पूरी उन्होंने भागवत कथा सुनाई, कहते भागवत कथा का जो वक्ता है परम निवृत्ति और संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान में जो डूबा हुआ। बोले श्रोता कौन है, बोले श्री परीक्षित महाराज। हम लोग तो कहां प्रभु की भक्ति करते हुए पता नहीं कितने
जन्म से डाकर ठाकुर दर्शन होता है। जब ये मातृ गर्भ में थे अस्वस्थ माने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया तो उन्होंने जब कृष्ण शरण में उतरा गई ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश करते हुए उनको प्राण दान दिया। इसलिए इनका नाम एक विष्णु रात और एक परीक्षित है क्योंकि सबको परीक्षा कर रहे थे जो काले काले श्यामल कृष्ण कन्हैया का है। इसलिए कहते ये परम माँ भागवत श्री परीक्षित महाराज। बोले श्री परीक्षित महाराज की जय। इसलिए जब श्री जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए अंतर ध्यान सुनते ही माता कुंती ने शरीर त्याग दी। बोले क्यों? बोले जब कृष्ण ही नहीं रहे रहकर क्या लाभ है। यहाँ शिक्षा देती है भैया तभी ये जीवन धारण करना सार्थकता है अगर ये जीवन में ठाकुर का भजन हो। अगर भजन नहीं होना कुंती शिक्षा देती है भैया ये शरीर को धारण मत करो। इसलिए भागवत कहता है जीवन सबो वो जिंदा रहते हुए भी वो मुर्दा है अगर ये जीवन पाकर जो भजन नहीं करता है। उसको जिंदा रहना नहीं रहना कोई जरूरत नहीं रहने का, मर जाना ही सही है भागवत कहता है। बोले क्यों? बोले तुम जब भगवान की भक्ति नहीं करोगे रहकर क्या करोगे जगत में, जगत का भार ही और कुछ भी तुम्हारी है नहीं। इसलिए उन्होंने शरीर को उन्होंने त्याग दे दी। पांडव लोग भी महाप्रस्थान में गए परीक्षित को राज सिंहासन में बैठा करके। एक दिन परीक्षित महाराज बड़े अपशकुन देख रहे थे और उन्होंने भ्रमण करते करते के भयानक रूप देखा। क्या देखा? एक गैया बिलक बिलक करके रो रही थी, एक बैल का तीन प्यार नहीं हो एक प्यार में खड़ा, और जो एक प्यार में खड़ा एक शूद्र राजा एक प्यार को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे। बोले तुम कौन हो? म्यान से तलवार निकाल। बोले मैं स्वयं कली हूँ। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले कलियुग में कोई धर्म कर्म रहने नहीं दूंगा। बोले मेरे देश से निकल जा नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा। बोले आप तो सबको स्थान दिया, सत्य त्रेता द्वापर मुझे भी स्थान दो। परीक्षित महाराज ने देखा यद्यपि कलियुग में अधर्म अधर्म है लेकिन हम लोग जिस कलियुग में आए ये कलियुग साधारण कलियुग नहीं है। ये जो कलियुग है कुछ धन्य कलियुग बताया। क्यों? ब्रह्मा का एक दिन में 1000 चतुर्युग बीतने पर चैतन्य महाप्रभु कलियुग में एक बार आते हैं और ये कलियुग में तो समस्त देवता लोग इंद्र चंद्र वायु वरुण यहाँ तक भी सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग भी ये कलियुग में आकर के महाप्रभु की धारा में आकर के गले में कंठी तिलक धारण करते हुए ये भी भगवान के नाम करना चाहते हैं। एक बार हाथ उठाओ। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। हरे बार जोर करके बोलो इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हमारे श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं भैया ये कलियुग में महाप्रभु को धारा में जो भजन कर रहे ना कहती ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यानी कि करोड़ों करोड़ों जन्म का सुकृति का फल में और समस्त देवता एवं सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग भी इसी कलियुग में संत बन करके कौन सा कि जो गौड़ीय तिलक लगाए, हर तरह का तिलक नहीं जो गौड़ीय तिलक, गले में जो कंठी जो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हो। ये भागवत में कहते ही बड़े बड़े देवता लोग थे पहले, देवता नहीं उनसे भी बड़े सबके सब, सत्य त्रेता द्वापर युग में सबके सब आए, कृष्ण का समय में राम का समय में नारायण का समय में भी ये लोग आए ही, तभी ये कलयुग में ये लोग महाप्रभु की धारा में आकर के भगवान की भजन कर रहे हो। इसलिए हम बड़े सौभाग्यवान। ये सब चीज को परीक्षित महाराज ने देख करके बोले ठीक है भैया तुम्हारी कलयुग में तो सारे अपगुण हैं लेकिन एक गुण है भगवान की कीर्तन से ही जीव का कल्याण होने वाले। इसलिए कली को उन्होंने चार स्थान दे दिया। मतलब जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं केवल चार ही नियम को पालन करो और थोड़ी सी हरि का नाम लो, बस बड़ा पार है। पहला नंबर जुआ नहीं खेलनी चाहिए, जुआ खेलने से धर्म का पहला चरण सत्य खत्म हो जाएगी। पानम किसी तरह का नस्ली वस्तु मत लो, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। यहाँ तक भी चाय भी नहीं पीनी चाहिए। क्यों? चाय में निकोटीन है, कैफीन है,
हैं, ये भी एक नस्ली वस्तु है, इसको भी हमें नहीं लेनी चाहिए। इसलिए स्त्रियम, स्त्रियम मतलब होता है जो अवैध रूप में स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्रियों से मिलते हैं, कहते यहाँ समस्त पवित्रता नष्ट हो जाती है। संसार करो, शादी करके पति पत्नी मिल करके घर गृहस्थ बैठा हो। इसलिए और जो चौथा नंबर जीव हिंसा, जीव हिंसा में मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब चीज को हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तभी कलयुग संतुष्ट नहीं हुआ, हमें कहाँ कहाँ ढूंढते फिर। बोले ऐसे एक स्थान दो जहाँ पर ये सारे चीज रहते हैं। तब उनने सुवर्ण में स्थान दे दिया। बोले जहाँ पर ये ज्यादा पैसा वहीं पर सारे अधर्म। लेकिन ये पैसा तो लक्ष्मी है, अब मूल लक्ष्मी तो श्री राधा रानी, पर ये पैसा में ये कली का निवास कैसे है। इसलिए बोले लक्ष्मी के दो वाहन है, एक उल्लू और एक गरुड़। अगर केवल लक्ष्मी को बुलाओ घर में केवल अपना भोग के लिए, लक्ष्मी बोलती है मैं क्या तैयार भोग करने के लिए तुम मेरे को बुला रहे हो, वो फिर वो उल्लू के ऊपर बैठ कर गाती, फिर हमें उल्लू बनाती है। लक्ष्मी ठाकुर जी की हे लक्ष्मी आओ, क्योंकि तुम्हारी बगैर ठाकुर को सेवा कैसे होगा, पैसा वगैरह कुछ भी नहीं होता है, हैं? आओ आप ठाकुर जी को, ठाकुर जी की सेवा के लिए आओ, फिर ये गरुड़ ऊपर बैठ करके आएंगे, फिर घर को तुम्हारी क्या बना देंगे, वैकुंठपुरी बना देंगे, घर को गोलक वृंदावन बना देंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए श्री परीक्षित महाराज जब जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे, प्यास लगा तो ऋषि को पास में पानी मांगे, लेकिन उन्होंने पानी नहीं दिया तो गले में मरा हुआ सर्प डाले। बच्चे को पता चलते उन्होंने अभिशाप दिया, जिसने मेरे पिताजी के गले पर मरा हुआ सर्प डाले तक्षक सप्तक दिन में दंशन करेगा। लेकिन परीक्षित महाराज जी को पता चला है ना, अगर अब हमें पता चले 7 दिन में मरेंगे, अब क्या करोगे, जितने हो सके घूमो फिरो खा पी कर ऐसे करोगे जितने पैसा। लेकिन उन्होंने बड़े खुश हो गए, बोले एक मरने से एक मुहूर्त तो पहले पता नहीं चलता, ठाकुर की बड़ी कृपा जो 7 दिन पहले पता चले गया। उन्होंने सब कुछ छोड़ कर गए, उन्होंने कहां पर गए, आपका सुकरताल, सुकरताल गए थे ना आप लोग, कौन कौन गए सुकरताल, सब गए हो यहीं पर उन्होंने आए। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यवान हो, तुम्हारे घर के पास में भागवत कथा हो। केवल इतना नहीं, यहाँ पर गंगा भी बह रही है, यमुना भी बह रही है, और ये पांडव का स्थान, ये वरुणा बताए ना, ये पांडव लोग भी यहीं पर आए हैं, इनकी चरण धूल भी ये भूमि पर पड़ा है। इसलिए जहां पर ये पांडव का चरण धूल पड़ा ना, बस वो देश धन्य धन्य हो जाती, वो देश धन्य हो जाती है। इसलिए आपके घर को पास में ही 88,000 ऋषि लोग आए, और श्री परीक्षित ने बोले मेरे ऊपर अभिशाप रही, मेरे ऊपर तो वरदान है, आज इतने संतों का दर्शन है। लेकिन ऋषियों को जो प्रश्न की, आज हो कल हो परसु हो बरसु जो मरने वाले, इसका क्या कर्तव्य है, बोले नासो मुनिर जैसे मतम न भिरनम, ऐसे ऋषि का कोई मत नहीं था तो अलग नहीं था। तब उन्होंने ठाकुर जी को स्मरण किए, बोले ठाकुर जी आप ही मुझे गर्भ में दर्शन दिया था, अंतिम समय में एक ही इच्छा है, आपकी कथा सुनते सुनते मेरे 7 दिन बीत जाए। इतने में श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। जब सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, उन्होंने प्रश्न की झरी लगा दी, बोले अतः पिछा में समसिद्धि जोगिनां परमं गुरु पुरुषस्य जत कर्तव्य म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले आप कृपा करके ये बताओ, जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने से एकदम मन तुम्हारी भर जाए, उनको ये नहीं लगे इससे भी कोई बड़ी वस्तु है। लेकिन जगत अलग जगत है, जितना मिले कोई किसको तृप्त तो नहीं होता है। कहते ना कमाई करो, कमाई मतलब कम आई ज्यादा आनी चाहिए। लेकिन जगत में ऐसे क्या चीज जिसको पाने से जीव की संपूर्ण इच्छा खत्म हो जाए, उनको लगे जीवन में सब कुछ हमें मिल गया है, हैं? और मरणशील व्यक्ति सबको एक दिन तो मरना है ही, ऐसे कोई नहीं बोल सकते जो ये शरीर हमारी छूटेगी नहीं। इसलिए आप कृपा करके बताओ जीव को क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य, क्या करनी चाहिए कही नहीं करनी चाहिए। तब इसका उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, बोले बरियान ऐसा प्रश्न, बोले तुम्हें जो प्रश्न किया है ना बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। बोले आत्म बीत सन्मत पुंसा, जी प्रश्न को बड़े बड़े आत्मा में रमण करने वाले व्यक्ति भी सराहना करेंगे,
बड़ी सुंदर तुमने प्रश्न किया। देखो भगवान ये जो मानव शरीर दिया है कदि ये 84 लाख भ्रम के ये नर तनु दे, सहज में ये जीवन जीव को प्राप्त नहीं होता है। बोले देत ई सुबिन हे तुस नहीं है, बोले सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। ये जीवन के लिए देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहां हमें भारत में जन्म दो, हिंदू घर में जन्म दो, और कहां पर जन्म दो, गंगा जमुना को पास में हमें जन्म दो। आप लोग ये सब चीज मिला था, इसलिए जोर से ताली बजाओ तुम लोग, बड़े भाग्यवान हो। इसलिए कहते हमें ये से जन्म मिला है जीवन, लेकिन ये जीवन पा करके क्या करनी चाहिए, ये जीवन पा करके भगवान के भजन करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन ये जीव ये जीवन को कैसे बिता देते हैं, कि दिन में दो काम करते हो, रात को दो काम। दिन में दो काम क्या, बोले पैसा कमाओ, उससे परिवार को मेंटेनेंस करो, और रात को विश्राम और विषय भोग और बच्चों को जन्म देना। लेकिन इसे सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित बताओ ये काम कौन नहीं करता है, जानवर भी तो करता है, एक जानवर भी तो ये करता है। बोले एक समय कोई एक जज जा रहा था, देखा है कि सुअर लेटा हुआ, पैर में था बूट, बड़े जोर से सुअर को मारे। सुअर बोले मेरे को क्यों मार रहे हो, बोले तू सुअर है ना, बोले तू क्या है, बोले देख नहीं रहा है मैं जज हूँ। सुअर प्रश्न करता है ये बताओ मेरे से तुम किस काम से बड़े, बोले हर चीज में। अरे वो लाइट चली गई। बोले गोविंद जय, छोटा माइक दिया, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय, हरि बोल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि, आवाज आ रही है, बोले राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इतने में स्वर ने बताए, अरे उसको बोले तुम दो स्वर में तो जय जय हो, स्वर प्रश्न करता है, बोले बताओ तो मेरे से तुम किस चीज में बड़े हो, बोले हर चीज में, बोलो प्रश्न करो। तो स्वर ने प्रश्न किया, बोले ये बताओ तुम ये जो जज काम तुम कर रहे हो कितने साल में तुमने जज बनी हो, बोले 20-25-30 साल लग गया, बोले इसको करके कर रहे हो क्या, बोले पैसा कमाता हूँ, बोले पैसा कमा कर क्या कर रहे हो, बोले परिवार को मैं मेंटेनेंस करता हूँ। स्वर ने कहा जानते हो मेरे को ये एक एक साथ में, उसने बोला कितने साल में बच्चे जन्म दिए, बोले साल में एक, बोले कितने बच्चे, बोले 3-4, बोले जाने तो मेरे कितने बच्चे हैं, एक साथ में तो 10-10 बार बच्चा जन्म देता हूँ एक साथ में। उसने पूछा ये बताओ तुमने ये बच्चों को कितने दिन में बड़ा किया, बोले 20-25 साल लगता है, बोले कुल में एक महीना में 10-10 बार बच्चों को बड़ा करके छोड़ देता हूँ, वो फिर घर गृहस्थी करने लग जाते हैं। बोले तुम ये खाने पीने के लिए 20-25 साल तक तुमने पढ़ाई लिखाई की, मैंने कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज कोई स्कूल में गया नहीं, केवल ये खाने को उपार्जन करने के लिए मैं घूमता फिरता हूँ, जहाँ ताजी ताजी मिलता है खा लेता हूँ, तेरे को बासी मिलता होगा, मेरे को तो ताजी ताजी मिलता हूँ मैं खा लेता हूँ। तो उसने बोले ये बताओ तुमने सोने के लिए क्या बनाया, बोले बढ़िया मैंने बढ़िया घर बनाया जिसमें एयर कंडीशनर रूम है, बोले तेरे को नींद आती है, कोई अगर देखा कोई टेंशन हो जाए ना गोली खाने पर भी तेरे को नींद नहीं आती होगी, लेकिन कीचड़ में मैं आराम से कीचड़ में सो जाता हूँ, नो टेंशन। कभी आपने सुना है कोई जानवर को सुसाइड करते हुए सुना है, सुसाइड कौन करता है, ये इंसान करता है, इतने डिप्रेशन में कभी कभी आता है, इसलिए कहते मेरा कोई डिप्रेशन ही नहीं, बस आराम से रह रहा हूँ, भजन हम जीवन बिता रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर बताए जो काम हम बहुत बड़े
अपना जीवन को सक्सेसफुल मानते हैं, ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो एक सक्सेसफुल जीवन मानते हैं ना, कहते भैया कोई सक्सेसफुल जीवन तुम्हारे नहीं, तभी ये जीवन सक्सेसफुल है जब ये जीवन पाकर भजन करो, क्योंकि भगवान की भक्ति ये मानव जन्म के सिवाय कोई प्रभु की भक्ति कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ये मानव शरीर नहीं, मुक्ति कर द्वारा, ये मुक्ति की दरवाजा पर हम खड़े हैं, ये 84 लाख जन्म भटकते भटकते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, अगर ये जीवन पाकर भजन नहीं किया तो तुम्हारे जीवन, तू आया और गया, तेरे से कुछ भी नहीं हुआ। अगर जीवन में तुम कुछ भी नहीं किया, केवल भगवान की भजन करके चला गया ना, समझो तुम्हारे सारे काम हो गए। सब बताओ, हनुमान जी जीवन में क्या किया, मीरा ने जीवन में क्या किया, तुलसीदास ने क्या किया, जो जीवन में सभी इनकी पूजा हो रही है, केवल उन्होंने प्रभु के भजन तो किया और क्या किया। इसलिए कहते जीवन पाकर क्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय बताए, भगवान की स्मर्तव्य कृतितव्य स्मर्तव्यम इच्छता भयम्। अगर जीवन में कोई अभय बना चाहते हैं, क्या करो, भगवान की कथा सुना, भगवान का कीर्तन करो और भगवान की स्मरण करो, बस। और ये तीनों में भी तो सर्वश्रेष्ठ है भगवान की नाम कीर्तन, सबसे बिना पैसा बिना कष्ट और बिना परिश्रम में ठाकुर जी की नाम जप करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर जब सृष्टि की इच्छा हुई ठाकुर जी की, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की नाभि कमल से, कद भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी सृष्टि हुए। भगवान ब्रह्मा जी को बोले सृष्टि करो, तो उनने सृष्टि के प्रारंभ की, सर्वप्रथम उन्होंने श्री चतुसन को सृष्टि की। बोले भगवान का निर्देश, संसार का काम बढ़ाओ। बोले भैया घर गृहस्थ में हम नहीं फंसना चाहते, हम तो जीवन भर प्रभु का भजन करके मस्त रहना चाहते हैं, कौन ये झमला को ले हैं, हम तो प्रभु की भक्ति करेंगे। बोले भगवान ने सृष्टि किया, संसार के आदेश दिया, तू वो सृष्टि नहीं करोगे। बोले जा, अगर तू शादीशुदा नहीं करोगे ना, जैसे जन्म हुए ना, ऐसे ही जिंदगी भर रहो, अभिशाप दे दिया। बोले पिताजी अभिशाप थोड़ी ही तो वरदान है, घर का सारा टेंशन किसको ऊपर, बच्चों को ऊपर ना, बड़ों को ऊपर में, सारे बड़ों को ऊपर में। बोले छोटे बस भगवान की भजन करेंगे, मस्त रहेंगे, कोई टेंशन है ही नहीं। खैर उन्होंने शंकर जी को प्रकट किए, शंकर जी रुद्र को बोले संसार का क्रम बढ़ाओ, लेकिन शंकर जी सत्यम शिवम सुंदरम देव देव महादेव जोगी जोगी महाजोगी शंकर जी। कहीं भी शंकर जी का आप देखोगे ना, ध्यानस्थ में देखोगे, जब शंकर जी के ध्यान लगता है, जब सती चली गई, कितने कल्प तक शंकर जी ध्यान में बैठे, प्रभु की ध्यान में जब बैठे ना, कल्प कल्प तक बीत जाती है। इसलिए हर समय शंकर जी मस्त रहते हैं। इसलिए उन्होंने देखा, अगर मैं मना कर दूं ना, पिताजी हम ये घर गृहस्थ नहीं करेंगे, हो सकता है पिताजी बिगड़ जाएंगे, फिर जैसे चतुसन को अभिशाप दे दिया, मेरे को भी दे देंगे। बोले ऐसे काम करो और पिताजी मनाई कर दे। जितने भूत पिशाचों को सृष्टि करना प्रारंभ की, बोले ये कोई सृष्टि ना ध्वंस कर रहे, चुप बैठ, जरूरत नहीं। शंकर जी बलोढ़िया हो गया। फिर उन्हें 10 पुत्र को, फिर कर्दम ऋषि को परछाई से सृष्टि की, फिर मनु और शतरूपा को, और अपना बाम और डाहन अंग से, फिर यहीं से सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुई। आकुति देहूति प्रसूति और उत्थान पाद श्री प्रिय व्रत हुए है। कहते माता देहूति की कथा आती है, हम लोग सब हर साल सुनते हो। माता देहूति हैं, जब उन्होंने कर्दम ऋषि ने तपस्या की थी, बोले बरमागो, बोले आपकी चरण में मेरे को भक्ति मिले, बोले मिलेगा, बोले और कुछ बरमागो, बोले देखो प्रभु जी आपकी इच्छा ही घर गृहस्थी करे, संसार करे, इसलिए आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन 2 शर्त है। बोले पहला शर्त है, तब तक ये संसार में रहूंगा जब तक संतान नहीं हो जाए, संतान हो जाएंगे ना, फिर हम घर गृहस्थ नहीं रहेंगे, फिर तो हम भजन के लिए चले जाएंगे हैं। और दूसरी शर्त है, अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे तो फिर मैं संसार करूंगा। भगवान तथास्तु बोल दिए। देखो यहाँ सिखा देते हैं, भैया तब तक संसार में रहो जब तक संतान नहीं हो जाए और बड़े नहीं बन जाए, फिर अगर जोर जबरदस्ती रहोगे ना, फिर चाबी काठी को लेकर लड़ाई होगी,
फिर बहू आकर के चाबी को दखल करना चाहेगी, सास को साथ में, ससुर को साथ में लड़ाई होगी। इसलिए पहले क्या करते थे, बोले पंचास ऊर्ध्व वनम व्रजत, 50 साल हो जाता था ना, बोले भैया अपना घर गृहस्थ संभाल, हम तो पति पत्नी, हम वृंदावन में भजन करने के लिए जा रहे हैं, ठाकुर जी की भक्ति तू अपना संसार का तुम, घर गृहस्थी का तुम संभाल ले, हैं? नहीं तो फिर घर में लड़ाई झगड़ा। इसलिए पहले 50 साल के बाद में रामायण देखे ना, जब दशरथ महाराज ने देखा एक बाल पक गया, बोले और नहीं रहनी चाहिए, राम को बुलाए, अपना राज्य संभाल, हम पति पत्नी हम वानप्रस्थ में जा रहे हैं, हमारा वानप्रस्थ में जा रहे हैं, इसलिए चले जाते थे। हाँ, इसलिए बोले एका बन बा बन, मतलब क्या घर में नहीं, बन बन चौ बन, फिर अगर नहीं जाओगे बोले 68 60 61, मतलब फिर सठिया बने जाओगे, फिर तुमसे कुछ होने वाले नहीं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने भगवान से वरदान मांगे, भगवान तथास्तु बोल दिए, शादी हो गई। उसके बाद में कर्दम ऋषि भजन में बैठे, माता देवती खूब उन्होंने पति की सेवा की, पति की इतनी उसने सेवा की, पति सेवा से संतुष्ट होकर के बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए, और भजन करते करते रुग्ण हो गई, बोले ठाकुर जी से क्या वर मांगे थे, बोले संतान होगा, संतान तो हुई ही नहीं, तो उन्होंने कामों के विमान सृष्टि की, इतने लंबी चौड़ी, कितने क्रोश तक, बिना डीजल के बिना पेट्रोल के जो आकाश में उड़ते रहेगा, हैं, जो जैसे चाहो, जिसमें एयर कंडीशन इतने, और जिसमें सुंदर सरोवर, फूल फल, जिसमें सुंदर सुंदर हैं, जिसमें चिड़िया चहका रहे हैं, और जिसमें बैठो ना कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई बूढ़ी नहीं होगा, ऐसे उन्होंने विमान को सृष्टि की, और उनको 9 कन्या हुई। बोले अभी तो खुश हो गए, बोले ये सबके सब तो चले जाएंगे, अपना ससुर घर चले जाएंगे, बेटा तो चाहिए ना जो रहेगा, तब उन्होंने पिता पति की सेवा की, तो भगवान स्वयं श्री कपिल मुनि रूप में आए, बोले श्री कपिल भगवान की, और कर्दम ऋषि अपना बेटियों को शादी दे करके चले गए, भजन करने के लिए कर्दम ऋषि चले गए। फिर माता जी कपिल देव को बोले तुम तो भगवान हो, मैं स्त्री जाती हूँ, बता मेरे कल्याण कैसे होगा। तब भगवान ने माँ को उपदेश देते हुए, जीवों को उन्होंने उपदेश दिए, बोले माँ, बोले मनुष्य नाम कारण बंधम मोक्षव, बोले जो माँ जो मन है ना, यही बंधन का कारण, यही मुक्ति का कारण, ये मन को जो भगवान की भजन में लगा दो यही मुक्ति का कारण बनती है, लेकिन ये मन को जो विषय में लगाओ फिर तो ये बंधन का कारण बनता है। इसलिए मैया बोले बेटा तू तो बोल दिया मन को भगवान में लगाओ, लेकिन चंचल ही मन कृष्ण, ये मन तो बड़ा चंचल है, कैसे लगेगा, बोले संतों का संग करो, सबसे सरल उपाय संतों का संग करो, हैं? संतों का संग करते रहोगे ना, जैसे हमने एक पौधा लगाया, अगर उसमें पानी दोगे तब तो पनपना तो ये बढ़ेगी ना, अगर आप पानी नहीं दोगे तो सूख जाएगी। जैसे बड़ोत में बहुत लोग तो माला फला लिए हैं, लेकिन जब कभी मैं बड़े दिन में दिखता हूँ, बोले तिलक कहाँ, बोले तिलक नहीं, गले में कंठी कहाँ, बोले टूट गया, बोले हरिनाम करता हूँ जहाँ तहाँ लटक रहा है। इसीलिए बड़ोत में इतने लोग हरिनाम लिए, इतने लोग हरिनाम लिए, लेकिन उतना ही लोग भजन कर रहे हैं जितना लोग मंदिर में आते हैं, और जो मंदिर में नहीं आ रहे ना, भजन भजन सब खत्म। इसलिए नहीं, जब हम गुरु जी से हरिनाम लेते हैं, गुरु जी का जो स्थान है ना, पिताजी का घर होता है, इसको पिताजी घर बताए, इसलिए जरूर मंदिर में आनी चाहिए, भक्तों की कथा सुनो, हरिनाम करो, भक्तों के साथ में जो जुड़े हुए उतना व्यक्ति भक्तन कर रहे हैं, और सब तो हम कहा नहीं। इसलिए भगवान कहते बोले माँ संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरे किस्मत जगेगी, कले संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी। इसलिए माँ संतों के संग करो, संतों के संग से ही कल्याण होगा। उन्होंने माँ को बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने कथा उन्होंने बताई, बोले माँ भले ही किसी कुल में जन्म क्यों नहीं हो, अगर जो भगवान की भजन करते हैं, जो हरिनाम करते हैं, बोले अहो बत सपोच अत गरियान जत जिहाग्र वर्तते नाम तुभ्यम, बोले माँ अगर वो चंडाल क्यों नहीं हो, कुत्ते का मांस क्यों खा नहीं रहे हो, लेकिन जिसको जिहाग्रे बोले संपूर्ण जिहा नहीं, जिसको जिहा की अग्र में जो भगवान का नाम करते हैं, माँ समझो पूर्व जन्म में उसने 4 काम करके आए, कितना काम करके आए, 4, क्या किया, बोले जितने पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, सारे तीर्थ कर चुके हैं, पृथ्वी में जितने सारे
हैं, जितने यज्ञ बड़े से बड़े यज्ञ पूर्व जन्म में सारे यज्ञ करके आए, जितने तपस्या करके आए और जितने दान है सबके सब करके आए। बोले माँ तभी इसी जीवन में किसकी जीवा में ठाकुर का नाम उच्चारण हो रहा। बोले संपूर्ण जीवा नहीं, जिसकी जीवा की अग्र में ये भगवान का नाम हो। इसलिए क्या करनी चाहिए, भगवान की नाम जप करो। बोले जनई पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम, कृष्ण को कृष्ण स्वयं अर्जुन को कहते, बोले अर्जुन मेरे नाम को कौन ले सकता है, बोले वही ले सकता है जिसने पूर्व पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जैसे मेरी अर्चन पूजा की, तभी इसी जीवन में मेरे नाम को कोई ले सकते है, नहीं तो सभी मेरे नाम को नहीं ले सकते। कल सुन रहे थे ना, श्री रूप गोस्वामी कहते जो ठाकुर का नाम लेता है उसका 3 काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है, क्या क्या सुन लो। बोले श्री चित्रगुप्त, चित्रगुप्त कौन है, चित्र मतलब होता है फटो, गुप्त मतलब छुपा करके। बोले हम जो कुछ कर रहे हैं ना वो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैमरा लगा हुआ है, वो सारे कैमरा में हमारे फटो खींच रहा है। अगर कोई बोलेगा नहीं 10 मंजिल ऊपर में मैं दरवाजा बंद करके कर रहा हूँ, कौन देख रहा है। अगर दिन में कर रहे हो ना सूर्य देख रहे, रात में कर रहे हो ये रात देख रहा है, और 10 दिशा ये सब के सब ये सारे फटो ऑटोमेटिक सब फटो हमारे जा रहे हैं। यहाँ भी जो कथा सुन रहे हैं ना इसका भी फटो उठ रहा है, कौन कौन ये कथा में आए और कौन कौन कथा को सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं देखो हरिनाम की कितनी महिमा, जो व्यक्ति हरिनाम करते हैं, जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, बोले इधर आ, बोले रजिस्टर ले आ, बोले क्यों, बोले ये व्यक्ति का नाम को यहाँ से काट दे, क्यों हरि का नाम ले रहा है ना ये कभी कभी नरक नहीं आएगा। दूसरा काम किया, बोले श्री ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आरती की थाला लेकर के उसको सजाना शुरू कर देते हैं, बोले क्यों, बोले जब वो भूर भुव मोह जन सत्य लोक को जाएगा उसके रास्ता में मैं आरती उतारूंगा। और तीसरा काम किया, बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती, बोले रजिस्टर ले आ, बोले क्यों, बोले इसका नाम को यहाँ पर चढ़ा दे, बोले किस लिए, बोले हरि का नाम ले रहा है ना वो सीधा अभी गोलोक वृंदावन में आएगा, मेरी सखी बन करके आएगी। इतने महिमा जो हरि नाम करते हो, इतने महिमा ठाकुर जी की नाम में, ये भगवान स्वयं कपिल देव अपना माँ को नाम की महिमा कह रहे हैं। इसलिए गुरुदेव जब माला दिए ना, गुरुदेव कहते थे कभी माला भूखे मत रखा करो, माला कभी भूखे मत रखा करो। भूखा मतलब किया, अगर एक दिन गुरु जी कहते थे एक दिन माला नहीं किया तो क्या होगा, सारा दिन भूखा रह गया, स्नान नहीं किया ठाकुर जी, स्नान नहीं किया ठाकुर जी, कपड़ा नहीं बदला। इसलिए गुरु जी कहते थे गुरु जी से माला लेने के बाद खुद भूखे रह जाओ, लेकिन माला को कभी भूखा मत रखो, गुरुदेव कहते थे। इसलिए महाप्रभु नामाचार्य हरिदास ठाकुर थे जो दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे, जब महाप्रभु स्वयं उनको प्रसाद लेकर आते थे। एक दिन वृद्ध हो गए, शरीर छूटने वाले, अंतिम सज्जा में लेटे हुए, भगवान स्वयं प्रसाद लेकर आए जगन्नाथ जी को। बोले हरिदास ठाकुर जी प्रसाद खा, बोले आज नहीं खाएंगे। बोले क्यों, बोले आज मेरी संख्या माला पूरी नहीं। कितने माला करते थे, 3 लाख माला करते थे, तभी जाकर भोजन करते थे हैं। बोले आज मैं ले नहीं सकता। बोले क्यों, बोले कारण है आज मेरी माला पूरी नहीं हुई। भगवान बोले हरिदास तुम तो जिंदगी भर तुमने माला 3-3 लाख की, अभी तो वृद्ध हो गए हो, थोड़ी कम करो। देखो हम लोगों के लिए कितनी अच्छी बात कहते हैं, ये चीज को बांध करके ले जाओ। वो कहते हैं शरीर मोर सुस्त है असुस्त बुद्धिमान। बोले ठाकुर जी शरीर तो मेरे चंगा है, शरीर में कोई दिक्कत नहीं, ये जो मन है ना ये असुस्त है, मतलब ये जो मन दुष्ट है। आप देखो टीवी में सीरियल आए 3-3 घंटा बैठ बैठ के देख लेंगे, स्मार्टफोन लगे तो फिर समय कहाँ गया। अगर किसकी 2-4 माताएं महिलाएं बैठ जाए ना, देखो समय कैसे बीतता है, किसका बहू ने ये की, किसका साथ साथ में लड़ाई, उसका छोरा ऐसे की, देखो ना सारा दुनिया की बात करते, लेकिन जब भगवान के नाम की बोलो ना, बोले समय कहाँ है, समय कहाँ है हमारे पास। इसलिए वो संत कह रहे हैं शरीर मर सुस्त है, बाबा मेरे शरीर बड़ा चंगा है लेकिन जो मन है इतने दुष्ट है, इतने बहानाबाजी मानती है। इसलिए भैया जो कुछ करो ये बहानाबाजी अंतिम समय में कोई भी काम में तुम्हारी नहीं आएगी। इसलिए मरने का बाद है ना जमदूत, वहां पर जम महारथ के सामने जीव को खड़े कर दिया जाती है, जीव को खड़े करते प्रश्न करते हैं कितने प्रभु का भजन किया, ये नहीं पूछे कितने पैसा तुम्हारी, कितने बेटा, कितने नाती, कितने पोती,
तुम कितने बच्चों को विदेश में शादी दिया, कोई प्रश्न नहीं। वो एक ही प्रश्न करेंगे, तेरे को 84 लाख जन्म के बाद में ये जो देव दुर्लभ शरीर दिया, कितने तुमने भजन किया, कितने तुमने हरि नाम की, और कोई प्रश्न नहीं। इसलिए भारत में इसलिए मरते समय क्या सुनाते सुनाते ले जाते हैं, यही तो बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। किसको सुनाते हैं? और जो ऊपर जो लेटा हुआ है उसको ही सुनाते हैं, हैं? उसको, भैया तू जितने प्रभु का नाम लिया ना वही सच्चा, और जो कुछ किया तुमने जीवन में झूठा में बिताया। इसलिए भैया कभी माला को भूखे मत रखा करो, स्वयं भूखे रह जाओ। जब तक कुछ माला नहीं करेंगे तब तक प्रसाद नहीं पाएंगे, इतना चीज गांठ बांध कर ले जाओ। इसलिए भगवान मैया को बड़ी अच्छी अच्छी उपदेश दिया, दे करके चले गए। कहां पर? कहते जी चले गए ठाकुर जी गंगा सागर में, हैं? साल में मकर संक्रांति का दिन वहां पर भगवान कपिल देव अपने आप वो पानी नीचे उतर कर आ जाते हैं, फिर ठाकुर को वहां दर्शन साल में एक बार दर्शन होता है। इसलिए जो लोग नवद्वीप परिक्रमा में गए सब लोग गंगा सागर गए। कौन कौन गंगा सागर गए हाथ उठा, कौन कौन गंगा सागर गए? हाँ, इसलिए कहते सारे तीर्थ बारंबार गंगा सागर। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो भक्त लोग बहुत बार गए मुझे लगता है ना, बहुत अच्छी बात है। अब लोगों ने सब गंगा सागर गए हैं, गंगा सागर की इतने महिमा। अभी नवद्वीप परिक्रमा आती है ना होली में, हाँ देखो इस बार तो सब भक्त लोग जा रहे हैं, लेकिन देख करुणा अगर सही रहा तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो जाना चाहते हो सब लोग मिल करके कम से कम नवद्वीप धाम में महाप्रभु धाम में जानी चाहिए। ये बात को शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है कोई अगर करोड़ों करोड़ों बार अगर कोई कर ले, कहते पार्वती ये लोगों को विश्वास नहीं होगा ये बात, लेकिन पार्वती में तो इसको सच सच बता रहा हूँ, करोड़ों करोड़ों बार सारे तीर्थ कर ले, लेकिन एक बार जो श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा करते हैं भक्तों को साथ में, उससे करोड़ों गुण ज्यादा पुण्य मिलती है। शंकर जी स्वयं पार्वती की बात कर रहे हैं। इसलिए समस्त देवता लोग भी जाकर के सब नवद्वीप में ब्रह्मा स्वयं शंकर जी इंद्र चंद्र समस्त देवता सबके सब नवद्वीप में जन्म ग्रहण किया महाप्रभु की भजन करने के लिए। इसलिए एक बार जीवन में नवद्वीप धाम को जरूर चलो, वहाँ गंगा सागर में खूब नहाओ, वहां पर पंचबेणी है गंगा जमुना सरस्वती अलकानंदा सबके सब एक साथ में नदी सारे नदी मिला हुआ है, वहां स्नान करने से सारे तीर्थ में नहाना हो जाता है। ठीक है, अगर ये सही रहा तो करुणा सबके सब टिकट बना देना, और यहाँ पर हमारे राहुल प्रभु जी बैठे हुए इनके साथ में संबंध करना, सबके सब टिकट बना देंगे। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए कहते श्रीमद् भागवत ग्रंथ में कहते ये अजामिल का कथा आती है कि अजामिल केवल बेटा का नाम केवल नारायण रख लिया, बस अंतिम समय में केवल उन्होंने बेटे को बुलाया, भगवान को नहीं बुलाया। हम जो कर्म करते हैं काय मन वाक्य से करते हैं, तीन जमदूत लेने के लिए आए उसको देख करके उन्होंने चित्कार करते हुए बोले बेटा नारायण, बस तीन चार विष्णुदूत नारायण नाम लेते, दोनों पे बहुत लड़ाई हुई। जमदूत कहते हम ले जाएंगे, विष्णुदूत कहते हम ले जाएंगे। तब विष्णुदूत ने कहा भैया तुम क्यों ले जाओगे, बोले अपना पत्नी को छोड़ा बेसा को साथ में रहा, अम्मे देखो मैं तो भजन किया, बच्चों को लालन पालन करने के लिए सारे पाप कर्म किया, सीधा नरक जाएगा। बोले भैया पाप तो इतना क्या, पुण्य भी तो किया। बोले क्या पुण्य किया? बोले अंतिम समय में ठाकुर का नाम लिया। बोले वाह, जिंदगी भर पाप कर्म करो, मरने से पहले एक बार राम बोल दो हो गया, राम बोल दो हो गया। देखो भगवान के नाम की कितने महिमा, ये विष्णुदूत कह रहे हैं। बोले मूर्खों तुम्हें क्या पता है भगवान के नाम में क्या महिमा, उदाहरण दिया है जैसे भूस का एक ढेर हो, नहीं तो रुई का एक ढेर हो, देखना आग की एक चिंगारी अगर लग जाए ना सब जला करके राख कर देता है। और जो भगवान के जो नाम है हरि से बड़ा हरि का नाम है, इन्होंने जब बेटा का नाम नारायण रख लिया था वो सारे पाप से मुक्ति हो गई थी। जो उसने बारंबार नारायण इधर आ जा नारायण पानी लिया, जो बारंबार नारायण नाम लिया जैसे माला जप करते उसकी माला जप हो गई, और अंतिम समय में जो ठाकुर का नाम लिया ना बड़ा पाप। बोले भगवान का नाम कब लिया? बोले तो लिया। बोले कहाँ? वो तो अपना बेटे को बुलाया था। किसको बुलाया था? बेटे को बुलाया था। भगवान कब बुलाए?
तब विष्णु तत्व कहते हैं भगवान का नाम चार तरह से कल्याण करते हैं। बोले सांकेत्यम पारिहास्यम बा स्तोभम हेलन नवेबा, बोले वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु, भगवान का नाम अगर किसी तरह से प्रभु का नाम निकल जाए बास जन्म जन्मांतर का पाप को ये खत्म कर देता है। सांकेत्य मतलब होता है इशारा करके, जैसे बेटा का नाम कृष्ण नारायण राम रख लिया, जितना बार बोलोगे किसका नाम हो रहा है, भगवान का नाम हो रहा है। बोले उसको तो बोलता आप बेटे को बुला रहे हैं, बोले बेटे को तो बुला रहे हैं लेकिन नाम किसकी है, पर नाम ठाकुर जी के नाम। इसलिए पहले लोग क्या करते थे, बच्चों का नाम टुन्नू फुन्नू टुल्लू बुल्लू नहीं रखते थे, ये सब विदेश कुत्तों का नाम है, सब कुत्तों का नाम नहीं धराया करते थे, सब बच्चों का ठाकुर का नाम धराया करते थे। कभी वृंदावन में इस्कॉन मंदिर जाना, देखना छोटे छोटे बच्चों को देखना कैसे उन्होंने कृष्ण गोविंद दामोदर, लड़की का नाम गीता सीता सावित्री हैं, और लड़की ललिता विशाखा रूपम मंजरी रति मंजरी कृष्ण प्रिया, ऐसे सब ऐसे ऐसे बुलाते हैं बच्चों को। हम लोग तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सब बोलने लगते, नहीं वो लोग सब कुछ नहीं बोलते, बोले इसमें क्या धरा हुआ है। इसलिए बच्चों का नाम कौन सा नाम धराना, बोलो सब ठाकुर का नाम धरवाओ। अगर जिसको उल्टा पुल्टा बच्चों का नाम मेरे पास में ले आना, सब बच्चों का हम भक्ति का नाम दे देंगे, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इतने में श्री जमदूत को, जमदूत को जो मार मार कर भगा दिए, उन्होंने जाकर के नालिश जम महाराज से किए। इतने में बोले भैया मरते समय कुछ बोला था, बोले नारायण एक बार नाम लिया था, नारायण नाम सुनते बेहोश हो गए। बोले बड़े दिनों में मैंने ठाकुर का नाम सुनाई पड़ा, बोले ठाकुर हम तो सोच रहे थे हरता करता विधाता आप ही हो, आप बता रहे हमारे ठाकुर जी। बोले मूर्खों मैं तो नौकर हूं, हम तो केवल ये जीव का ही केवल पाप कर्मों को विचार करता हूँ, ब्रह्मा शंकर इनका भी जो मालिक है ठाकुर जी नारायण है, हम तो उनके सबके सब दास है। बोले देखो एक काम करो, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको मत लाना, जो भक्ति नहीं करते उनको ले आना। बोले एक चार्ट बना दो, चार्ट को बना दो किसको लाना और किसको नहीं लाना, देखो ये जम स्वयं चार्ट बना रहे हैं। बोले जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति जत चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति जत शिरदा एकदापि ताम अनधम असत अक्रीत विष्णु कृत्या। ये जम महाराज स्वयं चार्ट बनाए। बोले जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जो इसे जिह्वा पा करके भगवान की गुण कीर्तन नहीं करते हैं लेकिन दिन भर तो टट्टर टट्टर जैसे मेढक होता है ना, देखना बरसात के समय में मेढक क्या करता है, वो पुरुष मेढक स्त्री को बुलाता है तो आजा आजा, वो पत्नी क्या आ जाएगी, सांप का आहार मेढक है, वो धीरे धीरे सांप धीरे 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 आकर के झट उसको निकलता है। इसलिए कहते जो व्यक्ति इसी जिह्वा से प्रभु का नाम नहीं बोल करके मेढक जैसे टट्टर टट्टर दुनिया की बात करते हैं, वो काल एक दिन आकर के उनको खत्म कर देती है। इसलिए क्या करो, घर में जो काम करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, और मुंह में क्या करो ठाकुर जी की नाम, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की, बस हो गया कोई परिश्रम ही नहीं, दोनों ही हो गया। बोले चतस्त न स्मरति जत तरणारविंदम, जो हृदय से ठाकुर के चरण को स्मरण नहीं करते, बोले कृष्णायनो नमति जत सीर कदापि, जिसने ठाकुर जी के चरण में अपना सर को नहीं झुकाया, इन्हीं हाथों पा करके जो ठाकुर को सेवा नहीं किया, दुनिया को तो सेवा की लेकिन ये हाथ में ठाकुर को सेवा नहीं की, वो हाथ नहीं वो मरा हुआ हाथ है। जिसने ये प्यार तो मिला ठाकुर जी ने दिए लेकिन सारा दुनिया घूमे लेकिन वृंदावन धाम ही नहीं गए, तुलसी परिक्रमा नहीं की, बोले ध्रुम जन्म भाजो, भगवान उसको अगली जीवन में पेड़ जन्म दे देंगे। इसलिए कहते इन्हीं आंखों में से सारा दुनिया को देखा, टीवी खोलकर तीन तीन घंटा बैठ कर देखे उल्टा पुल्टा चीज, लेकिन ठाकुर का कोई लीला ही नहीं देखे। बोले ये आंख नहीं ये पांख है, अगर ये कानों से कृष्ण कथा नहीं सुने तो, बोले ये दो बील है जिसमें काल सर्प रहता है। और एक विशेष बात बताए, बोले देखो वैष्णव अकृत्वा मतलब है जिसने विष्णु मंत्र में दीक्षा ग्रहण नहीं किया है उनको पकड़ करके ले आना। बोले विष्णु मंत्र में दीक्षा मतलब होता है उनको शरीर में तीन लक्षण होनी चाहिए, कितना लक्षण होनी चाहिए, जैसे यहाँ धर्मशाला में लिखा हुआ ना वैष्णव धर्मशाला लिखा हुआ ना, लगता है पहले जिसने स्थापन किया है वो कोई वैष्णव थे,
वैष्णव, हम लोग वैष्णव है, मूल विष्णु भगवान कृष्ण है, उनको जो भक्ति करते हैं उनका तीन लक्षण है। बोले क्या है? विष्णु कृत्या मतलब जो विष्णु कृत नहीं किया। तीन लक्षण क्या है? बोले ललाटे तिलकम, जरूर तिलक धारण करनी चाहिए। इसे शास्त्र में बताया ऊर्ध पुंडरधरम अर्त्यम, जो व्यक्ति ऊर्ध पुंडर, तिलक ऐसे नहीं ऐसे फोटा लगा दिया, नहीं तिलक ऐसे नहीं करते हैं। तिलक करते हैं, अब हनुमान जी को देखो, अब भगवान कृष्ण को देखो, नारायण को देखो, तिलक कैसे है? ऊर्ध पुंडर धरम अर्थ, जो ऊर्ध पुंडरम बोल ऊर्धम नयति, जो हमें भगवान तक ले जाए इसे ऊर्ध पुंडरम है। कहते अगर जो धारण करते हैं, बोले सोपाक अपि महियते, अगर चंडाल क्यों नहीं हो, अगर ये तिलक धारण करता है, भगवान कहते मम लोक महियते, वो सीधा मेरे पास में आएगा, भगवान स्वयं कहते हैं। इसलिए तिलक ऊर्ध्वपुंडर तिलक होनी चाहिए। देखो ये ब्रह्मा है, बीच में विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो दो लाइन है ये ठाकुर का दो चरण है। उसका नीचे देखो, जैसे ठाकुर के चरण में हमने तुलसी दल दिया है, तिलक होनी चाहिए, ऊर्ध्वपुंडर तिलक होनी चाहिए। कहते लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरि बल्लभा, कहते नित्य तस्य भवेत देहे जस्य पद्माकित तनु, कर जो तिलक लगाते हैं उसको शरीर में लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा गायत्री सावित्री सब शरीर में निवास करते हैं। बोले गंगा यमुना पुष्कर आदि च, जितने तीर्थ उसको शरीर में निवास करते हैं। जैसे आप तिलक धारण किया, बोले गर्धव अभी, कहते अगर गधा अगर ये तिलक लगा लिया ना, अगर उसको जो दर्शन करता है उसको ठाकुर के दर्शन करने का फल मिलता है, इतने महिमा। जैसे आपने तिलक लगाए, अगर किसी ने देख लिया तुमको तिलक ना, उससे कल्याण हो जाता है, उसकी कल्याण हो जाती। तुमने तिलक की शास्त्र में महिमा बताए, इसलिए तिलक जरूर धारण करो। और गले में तुलसी की कंठी माला होनी चाहिए, ठीक है ना। कंठ है नास्ते त्रिकंठिका, ये कोई लकड़ी नहीं, ये साक्षात माँ लक्ष्मी है, भगवान के निवास है, उसमें बहुत सारी मेडिसिन है, ठीक है ना। और क्या करते हैं? और हरि का नाम, हरि का नाम जब करते हैं, कहते ये वैष्णव का ये चिन्ह है। अगर ये तीन चीज हो ना, जैसे विदेश जाना चाहते हैं, हमारे पास में तीन चीज होनी चाहिए, क्या? पासपोर्ट, वीजा और टिकट। बोले पासपोर्ट क्या? बोले गले में कंठी, मेरे पासपोर्ट हो गया ठाकुर के पास में जाने का। तीसरी कहते ललाट में तिलक किया, बोले ये वीजा और भगवान का जो नाम है टिकट, बस ये तीन चीज रहेगा ना, आपको ठाकुर के पास में जाने के लिए कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकते। सीधा कहां जाओगे? ठाकुर जी की पास में जाओगे। शास्त्र जब स्वयं कह रहे हैं, जो चार्ट बनाएगा वो तो सीधा ठाकुर के पास में जाएगा, उसको ठाकुर के पास में कोई भी रोक नहीं सकते, ठीक है ना। पहले ये तीन चीज को ठीक कर दो, ज्यादा नहीं, ये तीन चीज को ठीक करो, गले में कंठी, तिलक और भगवान की नाम, बस तीन चीज हो गया तो तुम्हारी जम कहते हैं। अगर तुमको जमदूत देख लिया ना, केवल तिलक लगाए हुए प्रणाम करेगा, अगर हमसे कोई बुरा काम हो गया, जम नहीं विचार करेगा, इसको विचार ठाकुर करेंगे, इसको विचार ठाकुर जी करेंगे। ये जम विचार नहीं कर सकता, खुद कहता है मैं इसका विचार नहीं कर सकता हूं। इसलिए ये तीन चीज को बना लो, बस सीधा ठाकुर को पास में जाएंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। भागवत में श्री प्रहलाद का चरित्र आता है, प्रहलाद महाराज कैसे भगवान श्री नरसिंह देव को उन्होंने खंभे से फाड़ करके श्री नरसिंह देव कैसे प्रकट हुए। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। हमारे नरसिंह देव कथा ओके का है के? भगवान की नरसिंह देव कथा सुनाएंगे। बामन देव को बनाया, बनाया और देव की वसुदेव को रेडी है, ठीक है। बोलो ज्यादा समय 10 मिनट में खत्म करना, जल्दी जल्दी बोलो। अज्ञान्तमिदान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तवृन्द। दोनों हाथ उठाकर बोलिए सभी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म परमाराधितम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ।
तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त श्रोत मंडली के चरणों में मेरे यथा योग्य प्रणाम। श्री प्रहलाद महाराज के कथा भागवतम के सप्तम स्कंद में वर्णन है और भागवत के प्रत्येक स्कंद का एक लक्षण है। भागवतम के द्वितीय स्कंद में बतलाया है अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषण उतय, अर्थात अलग अलग भागवत के अलग अलग स्कंद का एक एक लक्षण है। तो सप्तम स्कंद का लक्षण बतलाया ऊति। ऊति मतलब कर्म वासना, जो हृदय में वासना होती है उसको बतलाया ऊति। ये सप्तम स्कंद का लक्षण है। बतलाया ये कर्म वासना दो तरह की है। कैसी? एक शुभ वासना और एक अशुभ वासना। और ये उत्पन्न कैसे होती है? कहते हैं महद अनुग्रह यदि हो जाए, किसी संत हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तो उससे शुभ वासना हृदय में उत्पन्न होती है। अगर किसी संत का हमारे ऊपर कोप हो जाए, कोई संत हमारे ऊपर नाराज है, हमसे क्रोधित हो गए, तो उससे अशुभ वासना हृदय में उत्पन्न होती है। वर्णन आता है प्रहलाद महाराज जब मातृगर्भ में थे तो उनकी माँ कयादु को इंद्र बंदी बनाकर लेकर जा रहा था। नारद जी जब बीच में मिल गए तो नारद जी प्रश्न करने लगे, कहाँ लेकर जा रहे हो? इंद्र ने कहा कि इसके पिताजी हिरण्यकशिपु वो असुर है, और जब पिता ऐसा है तो पुत्र भी ऐसा ही होगा, इसलिए हमारी कोई स्त्री के प्रति गलत भावना नहीं, इसके गर्भ में जो संतान है जन्म होने पर उसे मार देंगे और पुनः इसको छोड़ देंगे। प्रहलाद महाराज के विषय में साक्षात नारद जी भी कहने लगे कि तुम इसको जानते नहीं, इनके गर्भ में कोई महाभागवत है, और इसलिए तुम तो क्या इसका कोई भी बाल बांका भी नहीं कर सकता, साक्षात विष्णु जिसकी रक्षा कर रहे हैं। तो इसीलिए इंद्र उसी समय पर परिक्रमा करके और स्वयं तो चला गया, और प्रहलाद महाराज को लक्ष्य करते हुए नारद जी ने 60,000 सालों तक हरि कथा सुनाई। क्या किया? भगवान की कथा सुनाई, भगवान के निर्मल चरित्र का गान किया 60,000 सालों तक। और नारद जी के प्रसन्न होने के कारण, नारद जी की कृपा होने के कारण ही प्रहलाद महाराज, हम कहते हैं ना भक्त श्रेष्ठ श्री प्रहलाद महाराज की, इसलिए भक्तों में श्रेष्ठ, भक्तों में शिरोमणि हुए ये प्रहलाद महाराज, उनके हृदय में भक्ति जागृत हुई। किस तरह से? बोले महत अनुग्रह, ये नारद जी की कृपा से। लेकिन उसी के विपरीत जो उनके पिताजी थे हिरण्यकशिपु, वर्णन आता है कभी स्वर्ग कभी वैकुंठ में जय विजय ये दोनों द्वारपाल हैं, और चतुसन जब ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आए तो इन दोनों ने उन्हें रोक लिया। रोकने के कारण चतुसन क्रोधित हो गए, उन्हें अभिशाप दे दिया। अभिशाप दे दिया तो क्योंकि संत उन पर बिगड़ गए, क्रोधित हो गए, तो क्रोधित होने के कारण इन दोनों को असुरयोनि प्राप्त हुई। इसीलिए एक बना हिरण्याक्ष और एक बना हिरण्यकशिपु। जब हिरण्यकशिपु ने 60,000 सालों तक तपस्या करी थी तो ब्रह्मा जी से अनेक ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए, बतलाया वर मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा कि आप मुझे अमर बना दो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि अमर तो मैं खुद भी नहीं, ब्रह्मा भी एक पदवी है, जैसे पीएम मोदी का पद है उसी प्रकार ब्रह्मा जी का भी एक पद है। कहते हैं अमर तो मैं भी नहीं है, आ ब्रह्म भुवना लोक पुनर्वर्तिनो अर्जुन। भगवान गीता में कहते हैं कि भैया ब्रह्मा का पद भी, अगर कोई वर्णन आता है अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो वो इंद्र बन जाएगा। ऐसे ही शास्त्र में अलग अलग तरीके से उपाय बताया है कैसे ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी इत्यादि इत्यादि। ब्रह्मा जी ने कहा तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया, बहुत बुद्धि लगाकर, असुर है ना तो चतुराई लगाकर क्या किया कि मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, मैं घर के भीतर ना मरूं, बाहर ना मरूं, किसी अस्त्र से ना मरूं, किसी शस्त्र से ना मरूं, कोई पक्षी से ना मरूं, पशु से ना मरूं, दिन में नहीं, रात में नहीं, तरह तरह के से युक्ति लगाकर ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न आपसे द्वारा रचित किसी प्राणी से ना मरूं, इस तरह से भगवान से ब्रह्मा जी से अमर होने का वर प्राप्त कर लिया। तथास्तु कहके, क्योंकि हिरण्यकशिपु जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं करी थी, ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया। और जैसे ही वरदान प्राप्त किया इतना उत्पात मचाने लग गया, सारे गंधर्व किन्नर ऋषि मुनि सभी को उसने बंदी बना लिया, और सारे देवता भी उसके दरबार में आकर अपने पैरों के उनके पैरों के तले दबा कर रखता था। सिर्फ ब्रह्मा विष्णु और महेश ये त्रिदेव को छोड़कर सारे देवताओं को बंदी बना लिया। नारद जी भी साक्षात उसके दरबार में बैठे बैठे वीणा बजा के उसके गुणगान करते थे, इतनी उसकी महिमा हो गई। जब ऐसा उत्पात हुआ देवता लोग दुखी होकर और प्रभु के पास में गए क्षीरसागर में, उनकी स्तुति करी तो उसी समय पर भगवान ने आश्वासन दिया, यथा देवेशु वेदेशु गोषु साधु सुविप्रेशु धर्मे मयि च विद्वेष सवे आशु विनश्यति। भगवान आकाशवाणी के माध्यम से कहते हैं कि जब भी ब्राह्मणों पर, वेद पर, साधु पर,
गैया पर अत्याचार होगा, उसी समय पर अत्याचार करने वाले का विनाश हो जाएगा, मैं स्वयं प्रकट होकर उसे दंड दूंगा। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जब उसके प्रति वह द्रोह आचरण करेगा तो उस समय पर मैं साक्षात प्रकट होकर और हिरण्यकश्यप का नाश कर दूंगा। एक समय पर हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज के पास में जब गए स्कूल में, तो प्रहलाद महाराज से प्रश्न किया, बोले तुम्हें सबसे अच्छी विद्या अब तक तुमने क्या सीखी है वो मुझे बतलाओ। तो प्रहलाद महाराज उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम हित्व सदा समुद्विग्न धियाम असद्गृहात् हित्वात् पाकम् गृहम् मन्दकूपम् वनम् गतो यद् हरिमाश्रयेत। अपने पिताजी को पिताजी नहीं कह रहे, प्रहलाद महाराज कहते हैं हे असुर श्रेष्ठ। जैसे हिरण्यकश्यप ने ये बात सुनी तो बड़ा आनंदित हो गया, बोले लगता है बहुत बढ़िया शिक्षा चल रही है, मुझे असुर श्रेष्ठ कह रहा है, मुझे पिताजी संबोधित ना करके कहता है हे असुर श्रेष्ठ। कहते हैं कि मैं तो उसी को ही साधु मानता हूं जो इस असत ग्रह जंजाल में ना फंसके वन की ओर गमन करे और भगवान हरि का आश्रय लेके उनका भजन करे। अर्थात जो लोग इसके टीकाकार में टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भैया दो तरह के लोग हैं, एक तो होते हैं गृहव्रती और एक होते हैं गृहस्थ। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि गृहम अंधकूपम, ये घर गृहस्थी जो है ये एक अंधा कुआं है। गांव में देखा होगा जिस कुएं के अंदर से पानी प्राय लोग व्यवहार नहीं करते तो उसके ऊपर क्या होता है, उधर कोई जाता नहीं, पूरे कुएं के आसपास झाड़ फूंक हो जाते हैं और उसके अंदर यदि कोई गिर जाए तो उसकी बचाने उसकी चित्कार भी सुनने वाला कोई नहीं, उस तरफ कोई जाता ही नहीं तो बचाने का भी कोई उपाय नहीं। तो यहां प्रश्न उठता है कि भैया चतवा भगवान के तो हरी बोल बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कहते हैं ये चार वर्ण और चारों आश्रम ये तो भगवान के श्रीअंग से ही प्रकट हुए हैं, तो प्रहलाद महाराज ये गृहस्थ आश्रम को इस प्रकार अंधा कुआं क्यों बतला रहे हैं। तब उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि नहीं भैया, गृहस्थ आश्रम जो लोग याजन करते हैं वो अंधा कुआं नहीं है। एक तो होता है अंधा कुआं जहां कोई जाता है नहीं, और एक ऐसा कुआं होता है जिसका पानी लोग व्यवहार करते हैं। तो एक होते हैं गृह मेदी हरिबोल, एक होते हैं गृह मेदी और एक होते हैं गृहस्थ। गृह मेदी कौन होते हैं, कहते हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के चारों तरफ संसार बना रखा है, जिन्होंने अपने घर को, घर में आटा दाल चावल है कि नहीं केवल मात्र वो घर की ही चिंता जिनको रहती है वो होते हैं गृह मेधी, जिन्होंने अपनी मेधा अर्थात बुद्धि, जिन्होंने बुद्धि केवल मात्र घर के में ही लगा रखी है और पुत्र परिवार इन्हीं को ही सद वस्तु मान के उसी में ही लगे रहते हैं। लेकिन उसी के विपरीत होते हैं गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम क्या है, कहते हैं जो भगवान को सेंटर में रख के, भगवान को लक्ष्य करके यदि कोई गतिविधियां करता है तो वो भैया वो अंधा कुआ नहीं है। वो जिस घर में साधु लोग बीच बीच में जाते रहते हैं, भगवान का कीर्तन होता है, भगवान की कथा होती है, ठाकुर जी को भोग लगता है, ठाकुर जी को निमित्त करके सारी सेवाएं होती है, कहते हैं वो अंधा कुआ नहीं, वो तो सदगृहस्थ है। इसीलिए प्रहलाद महाराज यहाँ पर कहते हैं पिताजी को कि मैं तो उसी को ही साधु मानता हूँ जो ऐसे घर जंजाल में ना फंस के वन की ओर गमन करे, भगवान हरि का चरणाश्रय करते हुए भजन करे। जब हिरण्यकश्यप ने ये सारी बात सुनी तो उसे क्रोध तो आया, लेकिन प्रहलाद महाराज के प्रति नहीं, उनके गुरुओं के प्रति। दोनों जो शंड अमर उनके गुरु थे शुक्राचार्य के पुत्र, उनसे कहने लगा कि तुम ये क्या सिखा रहे हो, लगता है तुम्हारे स्कूल में कोई विष्णुदूत आ रहा है, उसी के कारण इसकी बुद्धि इतनी खराब हो रही है। जैसे ही उनको लेकर आए वापस स्कूल में गुरुकुल के अंदर, तो शंड अमर दोनों शासन करने लगे, अरे दैत्य चंदन वने जातो यम कंटक द्रुमा, तो कहां दैत्य रूपी चंदन वन में एक बबूल का वृक्ष के समान है, कहां दैत्यों की इतनी बड़ी ख्याति और तू उसमें एक बबूल के वृक्ष का कार्य कर रहा है। आप देखना चंदन का जो वन होता है, चंदन की लकड़ियों को काटने के लिए कुल्हाड़ी का यूज करते हैं, कुल्हाड़ी व्यवहार करते हैं ना, लेकिन कुल्हाड़ी के ऊपर का हिस्सा देखना वो तो बना है लोहे का और उसमें जो लकड़ी घुसी हुई होती वो काट है, वो लकड़ी है। जब तक वो लकड़ी नहीं होगी तब तक आप चंदन की लकड़ी काट नहीं पाओगे। तो कह रहे हैं यहां पर कि ये सजातीय वस्तु, एक लकड़ी का प्रयोग करके ही दूसरी लकड़ी को काटा जा रहा है। उसी प्रकार ये प्रहलाद महाराज, ये प्रहलाद क्या है,
ये प्रहलाद भी उसी कांटे के समान है, उस बबूल वृक्ष के समान है जो कि दैत्य रूपी चंदन वन की लकड़ी को काटने के लिए विष्णु की सहायता कर रहा है। यहां विष्णु को बतलाया है, विष्णु तो उस कुल्हाड़ी के समान है और इसकी सहायता कर रहा है ये प्रहलाद। कहां इसके परिवार का विद्वेषी है, इसके ताऊजी का हत्यारा विष्णु, और उसका पक्ष लेकर उसका दासवत अर्चन कर रहा है ये प्रहलाद। षंडमर्क ने बड़ा समझाने की कोशिश करी, हम जो राजनीति समझाते हैं, हम जो कूटनीति बता रहे हैं, उसी को ही पिताजी के सामने कहना। अभी एक दिन वापस जब घर की ओर आए थे, प्रहलाद महाराज को बड़ा सुंदर स्नान इत्यादि करवा के, नए वस्त्र अलंकार पहना के माँ ने श्रृंगार किया और भेज दिया राज्य दरबार में। प्रहलाद महाराज को आता देखकर हिरण्यकश्यप बड़ा आनंदित हो गया, उसे गोद में लेकर, 5 साल के बालक है, छोटे बच्चे को गोद में लेकर और उसे चुंबन करने लगा, उसका माथा सूंघने लगा। प्रहलाद महाराज जैसे महाभागवत का स्पर्श प्राप्त करके हिरण्यकश्यप का तो रोम रोम खिल गया, आंखों से अश्रु बहने लग गए, उसके आंसू से प्रहलाद महाराज का वक्षस्थल भीग गया। कहते हैं भक्त का स्पर्श से देखो, आज ऐसे तमोगुणी असुर के अंदर भी ये सात्विक विकार उत्पन्न हो रहे हैं, कितने आश्चर्य की बात है। हिरण्यकश्यप को प्रश्न करने लग गया, बोले तुमने अब तक जो सबसे उत्तम विद्या सीखी हो वो मुझे बतलाओ। षंड और अमरुक दोनों डर रहे थे, बोले पता नहीं अब ये क्या बोलेगा। लेकिन जैसे ही प्रहलाद महाराज ने बोलना चालू किया, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, नवदा भक्ति का उपदेश देने लगे। कहते हैं कि पिताजी नवदा भक्ति यदि कोई ना कर पाए, कोई एक अंग भी याजन करे। परीक्षित महाराज ने तो केवल मात्र श्रवण करके ही भगवत प्राप्ति कर ली, सुखदेव गोस्वामी ने केवल मात्र कीर्तन करके, लक्ष्मी जी ने पाद सेवन के द्वारा, हनुमान जी ने दासवत के द्वारा, इत्यादि इत्यादि। तो नवदा भक्ति का यदि कोई पालन करने में असमर्थ हो, एक अंग साधे व साधे बहु अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए तार अल्प संग। कहते कोई एक अंग का याजन कर या बहु अंग का, कृष्ण प्रेम की निश्चित रूप में प्राप्ति होगी ही। इतना सुनते ही मात्र तो हिरण्यकश्यप ने निकाली तलवार और षंडमर्क की गर्दन पे, बोले अधम ब्राह्मण दुर्विनीत, तुम क्या सिखाते हो इस बच्चे को। दोनों डर के और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु हमसे तो चाहे जिसकी सौगंध खलवा लो, हमारे द्वारा सिखाया हुआ ये नहीं है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदिष्टेश तवेंद्र शत्रु, हे इंद्र शत्रु, अरे इतना क्रोध आप हम पर मत कीजिए, आपकी केवल मात्र आंखों की, इतनी क्रोधित आंखों की छटा से ही हम तो भस्म हो जाएंगे। अरे आपका क्रोध तो इंद्र के लिए ठीक है, लेकिन हम एक बात बतलाना देना चाह रहे हैं आपको, हमने आपके बेटे को ऐसी बातें नहीं सिखाई, और आपकी जो गलत फहमी थी कि कोई विष्णु दूत आ जाता है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, हमने दिन रात पहरेदारी रखी है। तो फिर बताओ ऐसा हुआ कैसे। कहते हैं नैसर्गिकी यम मतिरस्य राजन, आपके इस पुत्र की मति तो नैसर्गिकी अर्थात जन्म से ही ये ऐसा है, जन्म से ही। नारद जी वर्णन करते हैं जब प्रहलाद महाराज के गुणों का, तो कहते हैं न्यस्त क्रीडन को बालो जड़वत तन्मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम। कह रहे भैया ये नवग्रह यदि किसी को लग जाए ना, तब तो पंडित को बुलाओ, थोड़ी पूजा वगैरह करवा के नवग्रह हट जाते हैं, लेकिन कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, ये कृष्ण रूपी ग्रह जिसको एक बार लग गया तो उसका कल्याण बड़ा मुश्किल है। जैसे आप लोगों को कृष्ण रूपी ग्रह लगता है, थोड़ा थोड़ा लगा है, तभी तो ऐसे सर्दी के मौसम में सब घर बार इत्यादि छोड़ के यहाँ पर 3-3 घंटे तक बैठकर कथा सुनने के लिए आए हो। इसलिए प्रहलाद महाराज के विषय में कहते हैं कि नैसर्गिकी, इनकी ऐसी मति नैसर्गिकी है, स्वाभाविक है, हमारे द्वारा पढ़ाई हुई भी नहीं है और किसी और के द्वारा पढ़ाई हुई भी नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज से प्रश्न करने लगे, बोले तेरी ऐसी मति खराब किसने कर दी, तेरी ऐसी मति कैसे हो गई। तो उस समय पर प्रहलाद महाराज ने 3 श्लोकों के माध्यम से बतलाया, बड़ा विस्तृत प्रसंग है, लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जिन लोगों ने ग्रह को अपना व्रत मान लिया है और केवल मात्र चबाई हुई वस्तु को ही पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, एक राजा था और राजा ने अपना राज्य भोग, अनेक अनेक राजाओं ने अपने राज्य भोग किया और चेष्टा कर रहे थे सुखी होने की, लेकिन हो नहीं पाए, किंतु उनके आने वाली पीढ़ी भी यही सोच करती है कि हम राज्य भोग करके प्रसन्न हो जाएंगे। एक कुत्ता घर घर जाता है रोटी मांगने के लिए, 10 घरों पे उसको लात पड़ती है, लेकिन 11वें घर पर जब जाता है तो रोटी मिल जाती है, तो रोटी मिलने पर क्या होता है, वो पुराने 10 घर पे जो कष्ट मिला है, जो दुख मिला है, उसे भूल जाता है, लेकिन कर क्या रहा है, वही हड्डी को पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। एक सूखी हुई हड्डी कभी मिली थी, उसको कोने में जाकर चबाने लग गया, चबाते चबाते हड्डी पर तो कुछ मांस है नहीं,
लेकिन क्या कर रहा है, जब चबाते चबाते उसके मुख से रक्त निकलने लगा तो उस रक्त का ही आस्वादन कर रहा है और रक्त को चूसते चूसते मन ही मन विचार कर रहा है कि हड्डी में कितना टेस्ट है। किसी दूसरे कुत्ते ने उसको देखा, उससे हड्डी छीन के वो चबाने लग गया, लेकिन उस हड्डी में तो कुछ है नहीं, ये विषय भोग में तो कुछ है नहीं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, बार बार उसी विषय को भोग, जिन विषय को हमारे बाप दादा सब भोग कर करके चले गए, उनको सुख मिल नहीं पाया, लेकिन हम भी वही विचार करते हैं कि उन्हीं से हम सुख प्राप्त कर लेंगे, सुख मिलने का सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एक अंधा यदि किसी दूसरे अंधे को पथ दिखाए तो दोनों जाकर नरक में गिरेंगे, दोनों जाकर एक गड्ढे में गिरेंगे, दोनों का ही कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए जो मेरे दोनों गुरु हैं शंड और अमर्क, इनकी भी बुद्धि नहीं लग सकती, और आप जैसे जो ग्रह मेदी हैं आपकी भी बुद्धि नहीं लग सकती। हिरण्यकश्यप ने प्रश्न किया, तो भैया लगेगी कैसे, ये तो बता, तू तो मेरे से वक्र उक्ति दे रहा है, तू मुझे उल्टा जवाब दे रहा है, मैंने पूछा मति कैसे तेरी लग गई, तू बता रहा है कि मति इस तरह से तुम लोग की नहीं लग गई, अब तू बता लगेगी कैसे। तो हिरण्यकश्यप के तब उत्तर देते हुए प्रहलाद महाराज कहते हैं, नैशाम मतिस्तावत उरु क्रमांगरी स्पृशति अवगमा अदर्थ मये शाम पाद रजो अभिषेकम निष्किंचनानाम नम्रणीति यावत। कहते हैं भैया जब तक, कल सुन रहे थे ना, जब तक ऐसे निष्किंचन वैष्णव साधु गुरु के चरण रज में अभिषिक्त नहीं हो जाते, जब तक किसी साधु की कृपा नहीं हो जाती, तब तक भगवान ने मति लगाना बड़ा ही सुदूर व्यापार। इसीलिए अगर भगवान की ओर मति लगाना चाहते हो, कृष्ण में मति लगाना चाहते हो, तो ऐसे साधुओं के शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, उनके द्वारा बताया हुआ पद्धति को, उनके द्वारा बताई हुई भजन प्रणाली को अपनाना पड़ेगा। जब हिरण्यकश्यप ने ये सारी बात सुनी, इतना क्रोधित हो गया, गोद से उठाकर फेंक दिया प्रहलाद महाराज को और आदेश दे दिया, बोले इसको मार दो, ये उसी अंग के समान, शरीर के अंग के समान है जिसके कारण पूरा शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा। अरे शरीर के किसी अंग में कोढ़ हो जाए और तो उसको काट देना ही ठीक है, नहीं तो वो सारे अंग सारे शरीर की मृत्यु का कारण बन जाएगा। प्रहलाद महाराज को तरह तरह से मारने की चेष्टा करी, भूखा रखा, उसको अग्नि में डाल दिया, पहाड़ से फिकवाया, समुद्र में फेंक दिया, लेकिन जाको राखे साइया बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। इसलिए विष्णु परिलंबिता, श्री नारद जी कहते हैं कि जिसकी विष्णु साक्षात रक्षा कर रहे हो उसका आखिर कोई कौन बिगाड़ सकता है। शंडमर्क क्रोधित होकर जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि मैंने 60,000 सालों तक तपस्या करी और ब्रह्मा जी से तरह तरह के पद भी प्राप्त, वर प्राप्त किए अमर होने का, लेकिन मैं अमर हूं या नहीं इसकी टेस्टिंग अभी तक नहीं हुई, मेरे ऊपर तो किसी ने मृत्यु प्रहार किया नहीं, इसकी टेस्टिंग अभी हुई नहीं, लेकिन ये प्रहलाद महाराज 5 साल का बालक राम राम कृष्ण कृष्ण करता है और ये अमर बन गया और इसकी तो टेस्टिंग भी हो गई। मैंने अनेक अनेक बार मारने की चेष्टा करी लेकिन ये तो मरता नहीं है, भगवान का भजन भी छोड़ता नहीं है। इतना दुखी हो गया हिरण्यकश्यप, भयभीत होने लगा। शंडमर्क ने कहा कि हमारे पास भेज दो, हम इसे समझा देंगे, शुक्राचार्य जी आ रहे हैं वो समझा देंगे। तो उस समय पर पुनः जब गुरुकुल के अंदर आ गए, तो गुरुकुल के अंदर आने के बाद में प्रहलाद महाराज ने बच्चों को उपदेश देने लग गए, कौमार आचरेत प्राज्ञम धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदप्य द्रोहम अर्थदम। प्रहलाद महाराज कहते हैं भैया भजन करना हो तो 5 साल की उम्र से भजन करो। दैत्य पुत्र सब प्रश्न करते हैं कि 5 साल की उम्र से, अरे 5 साल की उम्र से क्यों, आराम से, अभी तो खाने खेलने के दिन है, थोड़े बड़े हो जाएं, शादी वादी होगी, बच्चे हो जाएं, बुढ़ापे में 2-4 माला सटका लेंगे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई गारंटी कार्ड है, कौन कौन यहाँ पर गारंटी कार्ड लेकर आया है आयु का, किसी के पास गारंटी कार्ड तो नहीं, कोरोना चल रहा है देखो अभी, कौन कब टपक जाए किसका कोई भरोसा नहीं है, है ना। तो इसलिए प्रहलाद महाराज समझाते कि कोई गारंटी कार्ड तो नहीं है, मृत्यु तो जो सांस ली है, निश्वासो नैव विश्वासो, जो सांस ली है वो भी वापस छोड़ पाओगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। असुर लोग कहने लगे, असुर पुत्र कहने लगे कि कोई बात नहीं, तो फिर अगले जीवन में कर लेंगे, आत्मा तो मरती है नहीं, अगला जीवन प्राप्त होगा ना उसमें कर लेंगे। तब कहते हैं दुर्लभम मनुष्य जन्मम, ये मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है ये भी बड़ा दुर्लभ है, भगवान ने 84 लाख योनियां भ्रमण करने के बाद में एक बार ये मानव जीवन दे दिया, कृपा करके मानव जीवन तो मिल गया, अभी भी यदि भजन नहीं किया तो 84 लाख योनियों में घूमते रहोगे, भटकते रहोगे, लेकिन सर पटकते रहोगे, भगवान मानव जीवन नहीं देने वाले। इसलिए दुर्लभम मनुष्य जन्मम, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 5 साल की आयु से भजन करने में ही मति लग सकती है, रील में पूरे समय पूरी उम्र तो रील में भर दिया संसार, पुत्र परिवार इत्यादि, तो बुढ़ापे में कैसे भजन करोगे, जो रील में भरा हुआ है वही तो निकलेगा।
प्रहलाद महाराज तरह तरह की युक्ति देते हैं, भैया किस तरह से तुम्हारी सारी आयु बीतती जा रही है। कहते हैं बचपन का समय, उस समय में तो कुछ बुद्धि होते नहीं, बचपन के 10 साल वो व्यर्थ है वो हटा दो, बुढ़ापे के जो लास्ट के 20 साल है वो हटा दो, उसके बाद में दिन में तो काम करते हैं लेकिन रात में सोते हैं, रात का समय हटा दो। इस तरह से तरह तरह से विचार करोगे यदि, तो बहुत ही अल्प समय रह गया है भगवान का भजन करने को। सभी वहां पर बैठकर उस समय पर कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल हरि 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 बोल, हरि 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 बोल हरि हरि पुत्र पूरे गुरुकुल में वहां पर तो हरि कीर्तन होने लगा। और जैसे षंडामृत ने प्रवेश किया, देखकर इतने आश्चर्यचकित हो गए, हे भगवान हिरण्यकश्यप को यदि पता चला तो हमारी तो गर्दन ही धड़ से अलग कर देगा। तुरंत जाकर हिरण्यकश्यप से कहा कि महाराज आपके पुत्र को जो रोग था वो तो सबको हो गया है। बोले क्या? हाँ, बोले पहले एक प्रहलाद था, अब सब प्रहलाद हो गए हैं, वहां पर चलकर देखिए सब तो हरि कीर्तन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप को आता देखकर तो सारे बालक शांत, प्रहलाद अब तू ही संभाल भैया, प्रहलाद महाराज को आगे कर दिया। इतने क्रोधित में, इतना क्रोध था हिरण्यकश्यप के अंदर, उसको शासन करते हुए बोले धूर्त, सारे देवता मेरे से इतने भयभीत हैं, सारे यक्ष गंधर्व सब मेरे पैरों तले मैंने रौन के रख रखा है, और तेरे में इतना साहस कहां से आ रहा है? तू तो किसके बल से इतना बलवान होकर और मुझे चुनौती दे रहा है, तू मेरे विपक्ष में खड़ा हो रहा है? प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं, न केवलम मे भवतश्च राजन् सवे बलम बलिनाम चापरेशाम परे वरे अमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वश प्रणीत। कहते हैं पिताजी न केवलम मे भवतश्च राजन् सवे बलम बलिनाम चापरेशाम। कहते पिताजी मेरी बात ही छोड़ दो, सभी को जो बल प्रदान करने वाला है मैं भी उसी के बल से बलवान हो रहा हूँ, मेरी नहीं आपकी नहीं। आपने तो ब्रह्मा जी से बल प्राप्त किया है, आपने तो ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया है, लेकिन ब्रह्मा जी को भी जो वर प्रदान करने वाले हैं मैं उनके बल से बलवान होकर मैं आपके खिलाफ खड़ा हुआ हूँ। हिरण्यकश्यप ने प्रश्न किया कि तेरा हरि यदि सर्वत्र विराजमान है, सभी को बल प्रदान करता है, तो सामने क्यों नहीं आता? बोले मैं तो उसको सर्वत्र दर्शन कर रहा हूं। क्या स्तंभ में भी है? बोले वयम तो दृश्यते, मुझे तो दिखाई दे रहा है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर वहीं पर एक मुष्टिक प्रहार किया और स्तंभ को फाड़ते हुए वहां पर श्री नरसिंह देव का प्रकट हो गया। बोलो श्री नरसिंह भगवान की। नरसिंह देव का भयानक स्वरूप देखकर हिरण्यकश्यप तो भयभीत हो गया, आश्चर्यचकित हो रहा था। बोले ये क्या, पुरुष मस्तक वो तो शेर का और धड़ एक पुरुष एक मनुष्य के समान। सोच रहा है कि जरूर देवताओं ने कोई माया, देवताओं की माया तो नहीं है ये। तभी उसी समय पर क्या किया, युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। भगवान स्वयं भी तो वीर रस का आस्वादन करने के लिए आए हैं, अपने भक्त के साथ युद्ध करना चालू कर दिया। हिरण्यकश्यप के साथ गदा युद्ध हो रहा है। एक समय पर तो हिरण्यकश्यप को झपट के और मारने की चेष्टा कर रहे थे, फिर फिसल के निकल गया। देवता लोग भयभीत हो रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो प्रभु को भी ये अपने चंगुल में फंसा ले। देवता लोगों ने इशारा किया भगवान को कि हे प्रभु अभी संध्या समय हो गया है और रात्रि आते ही नसुरों की शक्ति बढ़ जाती है, आप इसका संगार करके कहां, आप ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, आप इसे विनाश कर दो। उसी समय पर नरसिंह देव ने उठाया हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में डाल दिया और ले गए द्वार के पास में। और जैसे ही मारने की चेष्टा कर रहे थे हिरण्यकश्यप बोल पड़ा, बोले नहीं नहीं आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? मुझे वर प्राप्त हुआ है। बोले क्या वर प्राप्त हुआ? बोले मैं घर में नहीं मरूंगा, बाहर में नहीं मरूंगा। बोले देखो तुम दहलीज पर हो, द्वार पर हो, तुम ना ही घर के भीतर हो ना ही घर के बाहर हो। बोले कहते हो मैं आकाश में नहीं मरूंगा, मैं जमीन में नहीं मरूंगा। बोले तू ना ही तो आकाश में है ना ही जमीन में, तू मेरी गोद में बैठा हुआ है। बोले मैं किसी अस्त्र से नहीं मरूंगा, किसी शस्त्र से नहीं मरूंगा। बोले किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, तेरे लिए तो मेरे नख ही पर्याप्त है। बोले ब्रह्मा द्वारा सृष्टि किसी भी करे हुए किसी सृष्टि से नहीं मरूंगा। बोले मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं आता, मैंने ब्रह्मा जी की सृष्टि करी है। अरे ब्रह्मा जी स्वयं मुझसे उत्पन्न हुए हैं,
तुरंत वहां पर हिरण्यकशिपु ने नाखून मार कर वहां पर और हिरण्यकशिपु का पेट विदीर्ण कर दिया, सारी आंत को निकाल कर और अपने गले में माला स्वरूप में धारण कर ली। बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय। आओ कहीं भी वांछा कल्पति विवश के पास गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद भगवान वामन देव बड़े दयालु है। इन्होंने श्री किसको पर में कृपा की, बोले बलि महाराज को पर उन्होंने कृपा की। बोले भगवान की चरण कैसे है, बोले यद्यपि समाधि सुविधिरपि पश्यति न तव नथाग्र मरीचि। बड़े बड़े देवता लोग भी ब्रह्मा जैसे व्यक्ति ठाकुर की चरण की नथ की छटा तो कभी दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसे जो भगवान है उन्होंने क्या किया, बलि महाराज के सर को पर उन्होंने प्यार रखा। जब उन्होंने प्यार रखा समस्त तो देवता लोग स्वर्ग से बोले श्री वामन भगवान की जय। समस्त देवता लोग श्री बलि महाराज के ऊपर में पुष्पों की बौछार की है, तब भगवान संतुष्ट होकर के उनको सुतल लोक में स्थान दे दिया। बोले बर मांगो, बोले देखो प्रभु जी एक ही बर दो, मैं जब जब घर से निकलूं आपको दर्शन करते हुए निकलूं, जब घर से आऊं आपका दर्शन करते हुए, मतलब आप मेरे दरवाजे में बैठ जाओ। ठाकुर जी इनके प्रेम में ठाकुर जी दरवान बन गए। जब दरवान बन गए एक दिन नारद जी वैकुंठ में पहुंचे, बोले नारायण ने कहा, बोले पता नहीं कहीं गए, बोले ठकने गए थे, छलने गए थे, स्वयं ठक गए। बोले मतलब क्या है, बोले बलि महाराज को ठकने गए थे स्वयं ठक गए, अभी तो उन्होंने विदेश में नौकरी कर लिया। बोले नौकरी, बोले कहां पर, बोले बलि महाराज घर को घर में नौकरी कर रहे हैं। इतने में माँ लक्ष्मी लेने के लिए आई और श्री वामन भगवान बोले जगते रहो जगते रहो। बोले प्रभु जी इतना ही कसर था, इतना ही कसर था दरवान बनने का। बोले बात मत करो, अभी मैं दरवान का काम कर रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ। इतने में बलि महाराज रोज दान दक्षिणा देते थे, माँ लक्ष्मी भी लाइन में खड़ी हो गई। जब खड़ी हो गई इसकी जब नंबर आई, बोले बरमागो, बोले पहले संकल्प करो। बोले संकल्प, पहले तो एक संकल्प कराने वाला आया था, ये दूसरा कहां से आ गया। बोले बगैर संकल्प से मांगता नहीं। तब उन्हें जब संकल्प की, बोले मेरे घर में सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन घर में कोई अच्छा दरवान नहीं, हमने देखा आपका घर में एक बड़ा सुंदर दरवान, इसको दे दो। बोले पहले बताओ आप है कौन। इतने में माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट होती है। इतने में बोले मैं तो ठाकुर को दे ही नहीं सकता हूँ, ठाकुर जी एक स्वरूप में रहे और एक स्वरूप में ठाकुर जी आए। तब श्री बलि महाराज देखो भगवान की जो भक्ति करते हैं ना, ठाकुर जी कितने प्रेम में बसीभूत हो जाते हैं। तब माँ लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी को दान दे, माँ लक्ष्मी को दान दे रहे हैं। आप देखना माँ लक्ष्मी हर समय ऐसे हाथ करके बैठी हुई रहती है, सबको दुनिया को कृपा करती है, लेकिन आज माँ लक्ष्मी को दान दे रहे हैं। कौन, बोले श्री बलि महाराज। क्या दान दे रहे हैं, बोले छोटे मोटे चीज नहीं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को दान दे रहे हैं। ऐसे उन्होंने दानी बने, भगवान उसको ऊपर में कृपा की और उनको आशीर्वाद दिया है। बोले श्री वामन भगवान की, वामन भगवान आ जा, वामन भगवान अभी वामन भगवान आपको घर में भिक्षा लेने के लिए जाएंगे। भगवान जीवन सारा हमें दिया, अभी ठाकुर जी स्वयं भीख मांगने जाएंगे, अब लोग इनको कुछ ना कुछ अब लोगों ने दक्षिणा देना, भिक्षा देना, जाओ सबसे भिक्षा मांग के ले आ जाओ, सबके सब कुछ कुछ दो। सुदामा दो बटी चिड़वा दिया ना, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया। प्रभु जी भजन गाओ तो, क्या हो रहा है, तेरे द्वार खड़ा भगवान, ठंडा लग गया, तेरे द्वार खड़ा जी।
विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभयवंशाना चरितं परमाद्भुतं। श्री सुखदेव गोस्वामी जब कृष्ण लीला के समय आए, जैसे टीवी में हम सीरियल देखते हैं, इन्हीं हृदय में सारी लीला प्रकट हो गई। प्रकट होते ही उन्होंने एक श्लोक बोल करके, जैसे अगस्त ऋषि ने संपूर्ण समुद्र को पान कर लिया था, उन्होंने एक श्लोक बोलकर के सारी कृष्ण कथा सुना दी। कृष्ण गए से मथुरा में प्रकट हुए, गोकुल में गए और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उसको बाद में कृष्ण पुतना सकटासुर और उन अघासुर बकासुर को मारे, काली के सिर पर नाचे, बोले गिरिराज महाराज की। उन्होंने गिरिराज को धारण कैसे की और सत करोड़ गोपियों के साथ में रास रचाई, और कृष्ण कैसे मथुरा में कंस को उधार की। कंस को उधार करते हुए उन्होंने मथुरा में गए, 16,108 पटरानियों से शादी की, हर रानियों से 10-10 बेटे, एक एक बेटी हुई, और उन्होंने ब्राह्मण का अभिशाप को ग्रहण करते हुए गए प्रभास क्षेत्र में और संपूर्ण अंतिम लीला को उन्होंने समाप्त कर दी। इतना बोल करके बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, और उन्होंने बोल करके ना कथा को विश्राम दे दी। परीक्षित महाराज बोले क्या हो गया, बोले पूरी तो बोल दी, पूरी तो कृष्ण कथा सुना दी। बोले कृष्ण में तो मेरे कृष्ण है, कहते मेरे कुल देवता कृष्ण है, मैं तो 4 दिन से टकटक लगा कर बैठा हूँ, कृष्ण कथा कब सुनूंगा, लेकिन आप तो एक श्लोक में बोल दिए, मेरे को तृप्त तो नहीं हुआ, कृष्ण कथा को विस्तृत रूप में वर्णना करो। इसको सुन करके उन्होंने बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के फिर तो उन्होंने 3 दिन तक उन्होंने कृष्ण कथा सुनाए। बोले कथितो वंश विस्तारो, कहते भागवत में 2 वंशावली के नाम आता है,
एक है चंद्रवंश और एक सूर्यवंश। और सूर्यवंश में बोले श्री सियावर रामचंद्र की, भगवान राम जन्म लेते हैं। और चंद्रवंश में से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन यद्यपि ये दोनों वंश में बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, लेकिन सबसे प्यारी कथा किसकी है, बोले प्रभु राम की और भगवान श्री कृष्ण की। सबसे सुंदर हमारे जो सनातन धर्म में ये जो दो ठाकुर हुए राम और जो कृष्ण है, इन्होंने जितने सुंदर लीला की और किसी ने इतनी लीला की नहीं। तब उन्होंने कृष्ण कथा सुनाए, बोले जिस समय कृष्ण कथा कैसे है, बोले निब्रीत तसई रूपगीय मानात भव औषध छत्र मनोभिरामात कहा उत्तम श्लोक गुणानुवादात उमान विरज्यते बिना पशुनाथ। बोले कृष्ण लीला इतने मधुर है, जो आत्मा में रमण करने वाले बड़े बड़े ऋषि लोग भी कृष्ण कथा में आकृष्ट हो जाते हैं। और कोई भव सागर से अगर पार होना चाहते हैं, सबसे मीठा दवा ठाकुर जी की कथा ही है। जैसे तीन गंगा, एक है स्वर्ग लोक में मंदाकिनी, स्वर्ग लोक को कल्याण करती है, पृथ्वी में भागीरथी और पाताल में श्री भोगवती, जैसे तीन लोगों को कल्याण करती है, कृष्ण कथा भी तीन लोग कल्याण करती है, सुनने वाले, बोलने वाले और प्रश्न करने वाले। बोले जिस समय ये कंस ने बड़ा अत्याचार मचाए जगत में, अपना पिता को ही बंदीशाला में डाल दिया, बोले मेरे देश में कोई ठाकुर का नाम नहीं कर सकते, कोई यज्ञ नहीं कर सकते, कोई भगवत कीर्तन नहीं कर सकते, जो करेगा उसको जेल में बंद कर दूंगा। और उन्हें पूरा पूरा सबको जेल में बंद कर दिया। और संत लोग बैठ करके बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 ठाकुर जी कब ये दुष्ट से हमें मुक्त करोगे। तब कंस ने अपना बहन देवकी को, उन्होंने श्री देवकी को साथ में शादी करवाई, बहुत कुछ दहेज दे करके जब उनको विदाई कर रहा था, आकाशवाणी हुई, रे मूढ़ कंस जिसको बड़े इतने जत्न पूर्वक विदाई दे रहे हो, उसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। कंस ने देखा न रहेगा बांस न बजगी, बांसुरी उठाया निकाला तलवार और जो मारने जा रहा था श्री वसुदेव महाराज के एक नाम आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी का मतलब है जब वसुदेव महाराज जन्म हुए, कृष्ण का पिता है ना, स्वर्ग लोग देवता में नागड़ा बजाए दुंदुभी बजाए थे, क्यों, भगवान की पिता है, ठाकुर को पिता है, इसलिए उसने कंस को तरह तरह से उन्होंने साम दाम दंड भेद नीति से समझाने के लिए कोशिश की। बोले देखो बहन की साथ भी अगर मारोगे दुनिया तेरी बदनामी करेगी। बोले आकाशवाणी सुनी नहीं, बोले मैंने भी सुना है। बोले मरता है कौन, बोले आत्मा थोड़ी मरती, कि तो न जायते न मृियते और जो नित्य शाश्वत है, मरती ये शरीर है। समझाने के लिए कोशिश की लेकिन समझा नहीं, दुष्ट है। इतने में जब छोड़ा नहीं, बोले देख तेरे को पता मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे जितने बच्चे होंगे सब तेरे को दे दूंगा। अभी ठाकुर का इच्छा है, पहला बेटा को जब दिया कंस संतुष्ट हो गया, बोले इतने सत्यवादी अपना बेटे को काल भात में दे दिया, बोले इसको ले जा। नारद जी ने देखा भैया गड़बड़ी हो गया, तभी ठाकुर जी आएंगे जब पाप की घड़ा भर जाएगा, तभी तो आएंगे, सजा दिया उन लोग इसलिए तभी तो आएंगे। इतने में नारद जी वहां पर प्रकट हुए, बोले कंस अभी तक मैंने स्वर्ग लोक से आ रहा हूँ, देखा ब्रह्मा जी समस्त देवता को लेकर के वहां पर सभा कर रहे थे, इसका उद्देश्य है तेरे को मारेंगे कैसे। देखो ये जितने देख रहे हो ना, जद्दूवशी कोई नहीं, ये सब के सब देवता लोग आए, ये गोपियां कोई नहीं, सब देवता सब देवियां सब के सब गोपी बन करके आई, ये प्लानिंग करके आए तेरे को मारने के लिए। बोले देख ये फूल को देख, ये आठ पखुड़िया फूल था, कमल फूल, बताओ तो इसमें पहला कौन आठवां कौन। बोले एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, बोले उल्टा से गिनो,
बोले एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, बोले समझ गया। बोले गुरु के बगैर थोड़ी ज्ञान होता है। बोले देख बेटा, देवता का वाणी समझना बड़ा कठिन है, तो इधर से गिनोगे, अगर उल्टा गिरे तो क्या होगा, जिसको एक कर रहे हो जाएगा आठ। जब सबके सब भाई जन्म लेंगे, मिल करके तेरे को मारेंगे। बोले गुरुजी फिर तो सबको मार दो। बोले मैं क्यों बताऊं, तू जानता, तेरे काम जानता है। बस भड़काया, भाग गया, भड़का कर भाग गया। इतने में कंस ने एक एक छह छह बच्चों को उन्होंने मार दिए, क्योंकि जो थे ये पूर्व जन्म में मरीचि थे, ब्रह्मा का मानस पुत्र। एक समय ब्रह्मा जी एक सुंदर बेटी को जन्म दी, कितनी सुंदरी वो बेटी थी, ब्रह्मा स्वयं बेटी में आसक्ति हो गए थे। ये छह ने खिली उड़ाए थे, ब्रह्मा जी अभिशाप दिए थे, तीन जन्म तक अपना पिताजी का हाथ में मरकर की मुक्ति होगी। और छह मारे मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। अगर हृदय में ठाकुर जी तभी प्रकट होंगे जब ये छह शत्रु को मारेंगे। अब सप्तम गर्भ में श्री दाऊ भैया जन्म हुए, श्री बलदेव प्रभु, ये स्वयं धरणी स्वरूप, ये पृथ्वी को संधिन शक्ति के अधिकारी देवता, जो भगवान को भी दो धारण करते हैं, भगवान की दस शरीर पंच रसों से ये सेवा करते हैं। इसलिए श्री बलदेव प्रभु की जय। और अष्टम गर्भ में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने वाले। अभी ठाकुर जो जन्म लेते हैं, कहते जन्म कर्म चमे दीपम एवं जह व्यतीत तत्वतः। कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरे जन्म कर्म दिव्य और अलौकिक है। अगर इसको कोई समय जाए ना, शरीर छोड़ने के बाद शरीर धारण नहीं करता है। लेकिन हम लोग का जन्म कैसे हुआ, पिता माता के मिलने से, शुक्र से हम लोग, इसलिए हमारे शरीर खिति जल पाप गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, के टाटी पेशाब खून की एक थाली हमारे शरीर। लेकिन भगवान के शरीर ऐसे नहीं, बोले सचिदानंद विग्रह भगवान की है। इसलिए कैसे जन्म हुए, जैसे गुरुपाद पद्म हमारे कानों में मंत्र देते हैं, वो मंत्र के माध्यम से ठाकुर हृदय में जाते हैं, उसी तरह श्री वसुदेव महाराज बड़ी सुंदर सुंदर देवकी को कथा सुनाई और शब्द ब्रह्म रूप में ठाकुर जी देवकी के हृदय में प्रकट हुए। कंस उजला उजला देख करके मारने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ। दिन रात काले काले और मुरली वालों भी याद कर रहा है। अभी ठाकुर जी ठीक कत भादो के महीना अष्टमी का दिन, और उन्होंने एकदम बीच रात में ठाकुर जी देवकी वसुदेव को कारागार में ठाकुर जी प्रकट हुए। बोले श्री भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की। देवकी वसुदेव बोले प्रभु आपको तो मैं पुत्र रूप में प्रार्थना की थी, आप तो 16 साल के मुंह डाली केस चमकले वस्त्र पहन करके आए हो, ये अस्त्र शस्त्र क्यों लाए। बोले चिंता मत करो मैं माता जी, कंस ने मेरे छह छह भैया को मार डाले ना, इसलिए मैं पहले से ही सज्जन कर आया। अगर मामा कुछ बोलेंगे ना छोड़ूंगा नहीं इस बार मामा को, इसलिए मैं पहले ही सज्जन करके आया हूँ। बोले पूर्व जन्म में तुम लोगों ने तपस्या की थी, पेड़ का पत्ते खा करके 10,000 साल तक, मैंने कहा बर मांगो तो तुम लोग मेरे जैसे बच्चा मांगा, मेरे जैसे तो कोई होते नहीं, मैं स्वयं बच्चा बन करके आया। उसको गोकुल में रख लेना, वहां से बेटी को ले आना। बोले जाएंगे कैसे, हथकड़ी बड़ी बड़ा हुआ। बोले केवल मेरे को अपना सर पर रखो, सबके सब बंधन खुल जाएगी। अभी ठाकुर के सर पर रखे और उनको ले जा रहे हैं, यमुना नदी कैसे पार करेंगे, लपलपा पानी भरा हुआ। इतने में यमुना नदी भी सोच रही थी ठाकुर का चरण स्पर्श करो, पीछे से चरण बढ़ाए तो यमुना देवी भी ठाकुर के चरण को स्पर्श कर लिया। अभी ठाकुर जी ले आओ भैया सब निकले कर। हाँ देखो आज तो भगवान कृष्ण जन्म हुए, कल से राधा रानी जन्म लेगी। कौन लेगी, आज कौन सा रंग के कपड़े पहन करके आए, कहाँ कोई पीली दिख नहीं रही, तो लाल नीली लाल दिख रहा। हाँ ठीक है, कल राधा रानी जन्म लेगी, कल आप लोग सबके सब कौन सा रंग के, गुलाबी रंग के पिंक रंग के कपड़ा पहन करके आना, क्योंकि राधा रानी जो प्रेम है स्वरूप श्री राधा रानी। प्रभु जी की माला लेकर पहना दो, तो नवीन प्रभु जी ये माला लो उसको पहना, लो आपको टोपी ले पहन कर ऐसे ऐसे।